वेलकम बैक एवरीवन टू हिमलैंड। तो हिमलैंड के अंदर गड़बड़ों का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और अब गड़बड़े थोड़ी बहुत हमारे हाथ से बाहर निकल चुके, क्योंकि गाइस लास्ट सीजन के एंड में मेरे प्रिय मित्र किंग ओडिन ने हम लोगों को एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर डाल दिया था जिस वर्ल्ड का नाम था द लैंड ऑफ सर्वाइवर्स। और इस वर्ल्ड के अंदर हर मोमेंट पे हम लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है अपनी जान को बचाने के लिए, एंड अगर गाइस हम लोग यहाँ पर हार गए या गलती से मर गए तो हम लोग स्लेव्स बना दिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल होगा। तो लास्ट एपिसोड में मुझे पता चलता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक्चुअल में 12 काउंसिल वाले बंदे चला रहे, जो कि यहाँ के सबसे बड़े विलन्स हैं। और हमें पता चलता है कि उन 12 में से एक बंदा ऐसा है जिसने उन 11 बंदों को मारने की ट्राई करी थी। दैट्स व्हाई 11 के 11 बंदों ने उसको मारा, और जब हम लोगों ने उसको और इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअल में जिंदा है गाइस। और इन द एंड फाइनली उस बंदे के सामने पहुंचते ही बहुत डरावना था, एंड फाइनली इससे बात करने के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारी मदद कर सकता है। बट क्योंकि गाइस ये यहां का वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स है तो इस पे पूरे तरीके से हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। और एंड में गाइस हम लोगों को यहाँ पर मिलता है एसजीओ और फुलाना जी, एंड हम लोग एक छोटे से मिशन पे निकल जाते हैं इन अजीब से माइंस को देखने के लिए। एंड गाइस वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं हवा में उड़ के जाता हूँ, डायरेक्ट उसके अंदर गिरता हूँ और एक जेल के अंदर मैं गिर जाता हूँ। और एंड में मुझे पता चलता है कि मैं किडनैप हो चुका हूँ। तो अब आगे गाइस क्या होगा मुझे नहीं पता, बट जो भी आगे होगा गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होगा तुम लोगों के लिए। सो लीव अ लाइक इस वीडियो का, लाइक है 3 लाख लाइक्स, लास्ट टाइम पे गाइस 2 लाख भी टच नहीं होते, बड़ा दुख हुआ मेरे को। बट आई नो कि इस बार तुम लोग जरूर लाइक कंप्लीट करोगे और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करोगे, जो 6 मिलियन के बहुत नजदीक है गाइस, पहुंचा दो 6 मिलियन एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। अरे भाई तू है कौन है, तूने मुझे यहां पर क्यों पकड़ के रखा हुआ है, शक्ल तो दिखा अपनी स्मार्टी, यू आर किडनैप ब्रो। मुझे पता है तूने मुझे लास्ट टाइम पे बता दिया था कि मैं किडनैप हो चुका हूं, बट तू है क्या, ए मुझे दिखा ब्रो, वेट बाहर खड़ा है बंदा। एक बहुत बड़ा रीजन है तुझे किडनैप करने का भाई, तू मुझे हल्का सा दिख रहा है मेरे सामने, तो आ जा तू एक बारी पकौड़े ऐसी की तैसी तेरी। बाहर खड़े खड़े मेरे साथ चैट कर रहा है ये बंदा, तुझे हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। व्हाट ब्रो, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि स्मार्टी भाई तेरे लिए काम करेगा, हम लोग हिमलैंड्स के सेवियर्स हैं और हम लोग तुम जैसे विलेंस के लिए काम करेंगे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जिसको सोचने की है। साले मैं तेरे साथ तब भी काम न करूं अगर तू मेरी यहाँ पे जान भी ले लेगा, तू मुझे मार सकता है बट तू मेरा ईमान हिला नहीं सकता, समझा भाई, तेरे लिए मैं अगले जन्म तक काम नहीं करूंगा, करना तो पड़ेगा भाई। क्यों तू ज्यादा सारा क्या कर सकता है, तू ज्यादा सारा मेरी जान ले सकता है ना, मैं अपने दोस्तों को अपने हिमलैंड्स को कभी जिंदगी में धोखा नहीं दूंगा भाई, तू ये बात को याद रखियो अपने फायदे के लिए, ताकि मैं जिंदा रहूं, कोई ऑप्शन दिया नहीं जाएगा तुझे ब्रो। तो ज्यादा से ज्यादा तू क्या करेगा, मुझे मार देगा ना भाई, तू मुझे मार दे, तेरे लिए मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या लग रहा है, तू अच्छा वॉरियर है इसीलिए काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ही। देख बट्टा मैं इतना अच्छा वॉरियर हूँ कि मैं तेरी चटनी बना सकता हूँ यहाँ पे, अगर तू एक बाप क्यों लाते तो अंदर आ यहाँ पे इस सेल के अंदर जहाँ मैं खड़ा हूँ, तेरे को आज मैं तेरा भूत बना के मारूंगा तेरे को यहाँ पे। अच्छा 2 फटके पड़ेंगे तो सब काम करेगा, तू एक बार अंदर आके देखा, अगर तू एक बाप की औलाद है, पड़ोसी की औलाद नहीं है ना भाई, तो तू आ जा, आई चैलेंज यू ब्रो, आ जा मेरे मुंह के सामने पकौड़े। देख तू काम करेगा तो तेरे दोस्त एसजीओ और फलाना जिंदा रहेंगे या वो खत्म। बेटा तुझे क्या पता मेरे दोस्त कहाँ हैं, मेरा दोस्त एसजीओ, मेरा दोस्त फलाना जी कहाँ है भाई, तू खुद अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहा है, तू सामने तो एक बार तेरे को मैं बताऊंगा फिर। चुपचाप मान जा, तुझे भी खत्म कर दूंगा रे भाई, तू सिर्फ धमकियां मार सकता है, मुझे तू खत्म नहीं कर सकता, मैं तेरा पप्पा हूँ, पप्पा स्मार्टीफाई इन द कमेंट्स गाइस, 20,000 कमेंट्स चाहिए मुझे अभी पप्पा स्मार्टीफाई, समझा, तेरे पास तो आवाज भी नहीं है, समझा, आवाज तो तू फलाना जी है, तू बोल भी नहीं सकता है, मार दूंगा। ये बंदा भाई मुझे गालियां मार रहा है चैट में, लेट्स गो, तुम्हारा भाई जीतता हुआ ऐसे होते भाई, आर्गुमेंट में तो सिर्फ यही बकवास कर सकता, समझा, और तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू मुझे कन्विंस कर ही नहीं सकता कि मैं तेरे लिए काम करूं, बच्चा है तू मेरे सामने। और गाइस कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब सुन ध्यान से साले, क्या सुन, सुना क्या सुन, अच्छा अपनी आवाज सुनाएगा, तेरे पास आवाज भी है, मुझे लगा तू भी गूंगा है, सुन बे, अबे सुना, हेलो सुना, क्या बकवास कर रहा है, सुना रहा हूँ साले, जल्दी चल फराना, क्या कर रहा है साले, एसजीओ भी मर गया यार, क्या हो रहा है इस वर्ल्ड के, ब्रो भाई जल्दी चल भाई, अरे दूर चल फलाना, अभी 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 यहाँ पे मस्ती नहीं कर सकते हम लोग, जल्दी, इसकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, एसजीओ पास पास हो गया मेरी, हेलो आवाज आ रही मेरी, ब्रो भाई व्हाट, कहाँ है तू, अबे तू सामने आ, कहाँ है तू, सुना मैंने ब्रो, मैंने सबको सुना, वेट डोंट टेल मी कि मेरे दोस्त तूने कैप्चर तो नहीं किया तूने, क्योंकि उनके डायलॉग से मुझे लग रहा है कि वो लोग अभी आजाद है, तूने सिर्फ उनकी मुझे आवाज सुनाई है, सब मेरे कंट्रोल में है, ओ माय गॉड वेट अ सेकंड, देख तूने उनको पकड़ा हुआ तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है तू सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, अरे एक मेरे इशारा और उनका खेल हो जाएगा खल्लास, वेट अ सेकंड भाई,
तू मुझे सिर्फ डरा रहा है, आई नो वो तेरे गिरफ्त में नहीं है ना वो तेरे गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि वो लोग भी वॉरियर्स है और तू बच्चा है, समझा? अभी आजाद है वो, पर तूने काम नहीं किया तो उनकी लाश दिखा दूंगा तुझे। नहीं, बिल्कुल भी तू ऐसा नहीं करेगा, समझा? तू मुझे बता क्या काम करना है तेरा, जो भी तेरा काम है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट देख कुछ ऐसा फालतू काम नहीं। एक झटके में गेम बुझा। अरे भाई बजा दूंगा भाई, तू मुझे काम बता जल्दी, अब तू अब खुद ही लंबा खींच रहा है इस चीज को, जल्दी बता काम क्या तेरा। एक काम नहीं है साले, हमेशा के लिए हमारे सारे काम अबे तू पागल हो रहा है क्या? मैं कहीं यहाँ थोड़ी रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तू एक काम कर, तू क्या स्लेव बनाते हैं सारे वॉरियर्स को यहाँ, तू कोई अलग नहीं। तू एक काम कर भाई, तू मेरे सामने आ, एक बार तू मेरे सामने आएगा ना भाई तो मैं मतलब फिर तेरा काम करने का तभी सोच सकता हूँ। शक्ल देखनी मैंने तेरी, एक बार शक्ल दिखा, स्लेव बनाने से पहले देख ही ले। हाँ दिखा भाई, तू मेरे को अपनी शक्ल दिखाएगा, मैं तेरा काम करने के लिए तभी तैयार हो जाऊंगा। कहाँ छुपा हुआ बंदा, इससे पहले तो दिख रहा था। जल्दी आजा भाई, जल्दी आजा भाई। वेट ब्रो, ये हमारा कमांडर है, ये हमारा सबसे पहले विलेन। भाई तू मेरे साथ ये सब कर रहा है, तू इसके कान को क्या हो गया? ओह माय गॉड, से हीरोइन लग रहा है, यहाँ से वो कमांडर लग रहा है, ये वो कमांडर है। नीचे लिख रहा है कौन कमांडर। भाई देख तू नाटक ना कर, अब यहाँ पे ब्रो तू मेरा दोस्त है। गाइस हमारा सीजन 3 का सबसे पहला कमांडर उस विलेज का, ब्रो तू मुझे कैसे भूल सकता? और तू थोड़ा दिमाग से पागल है क्या? अरे भाई मैं पागल नहीं हूँ, तू भूल गया मुझे, मैं नहीं हूँ कमांडर भाई। अरे भाई मेरे, गाइस तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी और इसी वक्त, ये वही कमांडर है कि नहीं है। ओ माय गॉड, भाई साहब, भाई तू थोड़ा बहन का दोस्त है क्या? अरे भाई मेरे यार तू वही है कमांडर नहीं हूँ। वेट अ सेकंड, ये बंदा या तो एक्टिंग कर रहा है या तो सच बोल रहा है। ब्रो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने मुझे किडनैप किया हुआ यहाँ पे। तुझे पता भी है कि मैं लैंड ऑफ सर्वाइवल्स वाली जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पर मेरी जान को खतरा है, और स्टिल तूने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है। तू मरेगा मेरे हाथ से, यहाँ कमांडर्स नहीं होते। ओह माय गॉड गाइस, डोंट टेल मी कि जो मैं सोचा वो सच्ची बात है। आई थिंक गाइस तुम लोगों को पता होगा ये बंदा भी बहुत बड़ा वॉरियर हमारे हेमलैंड्स का, एंड इस बंदे को ही पक्का यहाँ पे डाला होगा किंग ओडिन ने कोई ना कोई स्कैम करके, क्योंकि किंग ओडिन के विलेज का कमांडर था ये, जो ओरिजिनल किंग ओडिन का विलेज था उसने इसको यहाँ पर डाला होगा। और तुम लोग ये मान के चलो गाइस, इसने जगा लिया हमारा बाद में मेरे को, और तुम लोग ये मान के चलो ये बंदा यहाँ पे हार गया होगा, एंड शायद से अगर हम लोग भी गाइस हारेंगे हम लोग भी स्लेव बना दिए जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोगों की भी याददाश्त मिटा दी जाएगा। ठीक है बंदा भूल चुका है, हमारा दोस्त था। देख भाई अगर तू भूल चुका है ना, तू मेरा दोस्त था बहुत अच्छा एक टाइम पे, समझा? जल्दी चल काम करना है। अरे कितना बकबक कर रहा है भाई। सुन मैं तेरा कोई काम नहीं करने वाला, तूने मुझे धोखा दिया समझा, मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा। करवा के दिखा दे काम मेरे से, अब तो तू मुझसे काम करवा के दिखा बेटा, मान जाऊंगा। ऐसे नहीं मानेगा तू, तुझे एक और डेमो देना पड़ेगा भाई। तू डेमो दे दे यार, तू खुश रहे भाई, अब तो तू डेमो दे ही दे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे के डेमो भारी पड़ेगा, ये देख साले देख, क्या देख, क्या दिखा रहा है बंदा मेरे को? वहां कोई नहीं है मेरे बेटे। स्मार्टी भैया बचाओ। वेट 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 वेट, ये अजीब से अक्षरों में वेट, भाई इस बंदे का नाम कुछ और था, मुझे स्मार्टी भैया क्यों बोल रहा है ये? भाई तू है कौन है? हेलो कमांडर, तूने देख कुछ ना कुछ तो कांड किया हुआ है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। कौन है तू, मुझे जल्दी बता भाई। मैं हूं। अरे कौन है भाई, मुझे डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मेरे को यार, जल्दी सामने आ, कौन है भाई तू? नूबला पी कौन है? हेलो, मैं समझा नहीं भाई। नूबड़ा जी, ओ माय गॉड, व्हाट, दोस्त पहचान नहीं पा रहा साले, अब स्लेव सब स्लेव बनेंगे। देख कमांडर अगर तूने इसको कुछ भी किया मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नूबड़ा जी को छेड़ना नहीं है भाई, ये बहुत छोटा है और बहुत क्यूट है बच्चा हमारा, ठीक है ना भाई? इसको तू टेंशन मत ले नूबड़ा जी, इधर सामने देख, नूबड़ा सामने देख मुझे, मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ ना भाई, मैं तुझे बचाऊंगा, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसकी मैं खाल उखेड़ दूंगा, समझा कमांडर? तू मरने वाला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्लेव दोनों बनेंगे। इसको छोड़ दे, मैं तेरे सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, समझा ना? और अगर तूने इसको नहीं छोड़ा तो मैं तेरा एक भी काम नहीं करूंगा, समझा? एक भी काम नहीं करूंगा मैं तेरा, काम तो तू करेगा और मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं। अरे भाई तू उसको छोड़ दे ना, बच्चा है वो, तू मेरे साथ 1v1 कर, हिम्मत है क्या तेरे अंदर? है देख उसको दर्द हो रहा है, उसको छोड़ दे। क्या लिख रहा है? बड़ा वॉरियर है, मैं हूँ बड़ा वॉरियर, तेरे से बड़ा वॉरियर हूँ, तेरे को मैं चैलेंज करता हूँ 1v1, आजा अगर हिम्मत है तेरे अंदर। तुझे मैं एक ऑप्शन देता हूँ। क्या ऑप्शन देता है? जल्दी बता
तुझे 5 मिनट के अंदर सर्वाइव करके आना है वापस, नहीं तो ये चूजा मरेगा तेरे सामने। ओके वेट 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 वेट, कहाँ पे? मुझे डिटेल बता पहले, तू कहाँ पर भेज रहा है मुझे? मुझे सब कुछ जानना है, तू बड़ा वॉरियर है तो करके दिखा। मैं कर दूंगा भाई, तू मुझे एक बार डिटेल दे जल्दी जल्दी सब कुछ। अब आए ना औकात में, चल अब साले। अरे भाई मैं औकात में आ चुका हूँ, मुझे बता तो उस गेम के अंदर करना क्या है। मुझे जाने दो भैया। अरे भाई नूडा जी आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे जब तक खड़ा आपका बाल भी पका नहीं हो सकता है। मुझे बता तुझे क्या होने गेम के अंदर, गलत बात है। What the hell? Bro, okay, I'm safe right now. बट यहाँ पे मुझे करना क्या है? All right guys, इस बंदे ने हमें 5 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आगे होगा क्या। इसने मुझे कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया ही नहीं है। आगे मुझे अंधेरा दिख रहा है भाई सिर्फ, और क्या दिख रहा है? लावा दिख रहा है, बहुत सारा रेड स्टोन दिख रहा है। माई गॉड हमारी बैंड बच सकती है भाई। किसी भी हालत में नूबड़ा जी आपको तो मैं आज बचा के रहूंगा, ठीक है ना? टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, मैं बचाऊंगा तेरे को नूबड़ा जी, टेंशन मत ले। ओह माय गॉड मैंने पार कर दिया उसको, लेट्स गो। ओके ये इतनी सारी पावर फिश, मेरे को लग रहा है ना मेरे को वो चल 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 ओके तेज चल तेज चल तेज चल। आई डोंट वांट टू डाई, व्हाट द हेल, खाने खा ले भाई तू। ओह माय गॉड बच गया। चलो भाई जी आराम आराम से। ओके यहाँ पर गाइस क्या, यो मैं डर गया अभी। ओके ऊपर से बहुत सारे हमारे एनविल्स आ रहे हैं, एंड वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं एनविल के अंदर ना जाऊं। मैं एक बार बाहर जाने वाला हूँ, पीछे का बंद हो गया सब कुछ। व्हाट? ओके ठीक है टाइम नहीं, ये यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है। ओ माय गॉड मैं पीछे घूमा, मैं अभी भी चल के आया था वहां से, लिटरली मैं जस्ट अभी वहां से चल के आया था। व्हाट द हेल हैपेंड डूड? ओके मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा गाइस, आगे जाने से पहले मुझे पीछे का सब कुछ चेक करना पड़ेगा एक बारी। ओके सब कुछ गिर चुका है, एक बार वापस चल पीछे के लिए। ओके एंड मैं दोबारा से वहीं पे आ चुका हूँ। ओके गाइस अभी देखते हैं, ठीक है ना? मैं यहाँ से आगे भाग के जाऊंगा और जैसे ही पीछे घूमूंगा नीचे छेद हो गया। ब्रो ये बहुत कंफ्यूजिंग है यार, और ये क्या जगह है? ओ व्हाट? ओके डूड दिस इज इम्पॉसिबल, मैं आगे कैसे जाऊंगा? माई गॉड 5 मिनट में कैसे होने वाला है? नो ओके मेरे पास शील्ड है, आई हैव अ शील्ड, और मेरी स्पीड भी स्लो हो रही है साथ में। चल 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 व्हाई एम आई स्लो? चल 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 मेरी शील्ड टूट जाएगी, मेरी शील्ड टूट जाएगी इससे पहले। तेज चल तेज चल तेज चल तेज चल स्मार्टी, कम ऑन 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 कम ऑन। गिरना नहीं। ओह माय गॉड ब्रो आई एम सेफ नाउ, पीछे का दरवाजा बंद हो गया एक सेकंड के अंदर। स्वेयर टू गॉड खैर छोड़ो, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ओके यहाँ पर पार्क हो रहा है, इजी पार्क हो रहे शायद से। ये भी हो गया, मुझे वहां जाना है, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? ओके यहाँ पर एक छेद ऊपर, आई कैन डू दिस। ओके हो गया, खोल इसको शाबाश, इट्स वेरी इजी गाइस, तकनीक होती है इसकी, मुंडी झुका के बहुत इजीली हो जाता है। एंड ओके भाई ये क्या हो रहा है यार, मैं कहां से कहां गया था और मैं कहां से कहां पहुंच गया? ब्रो दिस इज सो कंफ्यूजिंग, आई थिंक ये मेरे टाइम वेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ। ओके ब्रो दिस इज बहुत लाउड है, मैं कम करने वाला साउंड गेम प्ले की भाई, वो भी ड्यूरिंग एडिटिंग, ठीक है ना? ओके आई कैन डू दिस, ये मुझे धक्का मार नीचे गिरा सकता है। ऑलराइट पहला हो चुका है, शाबाश जल्दी करना पड़ेगा गाइस, आई डोंट हैव टाइम, 5 मिनट कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो हो गया शाबाश, बहुत बढ़िया, ये वाला बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है इसमें भाई। और ये जैसे ये पीछे जाएगा ये भी ईजी है शाबाश, सिर्फ 2 बचे और लास्ट के पास बात खत्म। इसको तो मैं आंख बंद करके पार कर सकता हूँ, आखिरी बचा हुआ है, ये भी आंख बंद करके पार हो जाएगा, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। और यहाँ पर बीच में छेद भी हो सकते हैं, ओह बीच में छेद है भाई, दिया हुआ कितना चालू है ये। आगे चल, यहाँ से आगे चल, आखिरी बचा है। ओके और इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये सांप सीढ़ी का खेल दिया हुआ है भाई साहब। ओ माय गॉड शिट डूड, मेरे को इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। मैं कर दूंगा शाबाश। आई थिंक गाइस अभी 3-3.5 मिनट होने चाहिए, ज्यादा नहीं। यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से राइट जाएगा, वहां से लेफ्ट जाएगा, बहुत आगे जाके फिर घूमेगा। माई गॉड मुझे पूरा पैटर्न फॉलो करना है, वो भी व्हाइट इसके ऊपर, यार बहुत मुश्किल है गाइस। मैं इसको कर सकता हूँ शाबाश, उधर को चल आगे तक जाएगा आई थिंक बहुत ज्यादा, और इधर को चल शाबाश, यू कैन डू दिस। अरे मैंने कर दिया, लेट्स गो, चल 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 फटाफट चल भाई तू। ओ माय गॉड चल 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 भाई, भागना पड़ेगा यहाँ से फटाफट, मेरे को नहीं पता गाइस अभी 5 मिनट खत्म होने में कितना टाइम है, बट मैं बस भागने वाला हूँ, भाग भाग। मैं नीचे गिर रहा हूँ, व्हाट?
ब्रो आई एम बैक मैं टाइम पे आ चुका हूँ वापस। आई थिंक मैं टाइम पे वापस आ चुका हूँ। अब हमारे नुबड़ा जी को तो कुछ नहीं कर सकता, तूने मुझसे वादा किया था, समझा ना भाई। ये कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही स्मार्टी, तुम पहले प्लेयर हो जिसने ये 5 मिनट में पार किया। आर यू सीरियस? सच में? वरना सब नल्ले थे, कोई वापस नहीं आ पाया था। भाई मैंने तेरे को बोला मैं बहुत तगड़ा वाला वॉरियर हूँ, अब तूने मुझसे वादा किया था कि तू नुबड़ा जी को छोड़ देगा अगर मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ। अब नुबड़ा जी को तुझे छोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में, समझा? हाँ हाँ हाँ, तू ईमानदार होगा पर मैं नहीं हूँ ब्रो। ये क्या मतलब हुआ भाई? ऐसी ये तू गलत कर रहा है। तूने जबान दी थी, मतलब यही है नुबड़ा मरेगा ही मरेगा और तू हमारा स्लेव बनेगा। ब्रो दिस इज रॉन्ग, तू ऐसा नहीं कर सकता, समझा? मैं बाहर आके तेरी चटनी निकाल दूंगा, छोड़ उसको। नुबड़ा जी तू टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना यहाँ पे, देख मुझे देख, सामने मेरे को देख, मैं यहाँ पे हूँ, समझा ना? तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझा कि नहीं समझा? सब कुछ कर सकते हैं बच्चे, मरने वाले हैं भाई, सुन मेरी बात। अब मैंने जो तूने जो मुझे कहा था 5 मिनट का, एटलीस्ट इतना तो कर ले कि मैं एटलीस्ट मेरे को 2 मिनट नुबड़ा जी के साथ अकेले बात तो करने देगा ना भाई? 2 मिनट बात करनी नुबड़ा जी से अकेले, उतना तो दे दे भाई। मारना तो मार दियो, कोई बात नहीं। अब तूने इतना काम किया है तो ले 2 मिनट आखिरी बार बात कर ले। थैंक यू सो मच यार, 2 मिनट बात करूंगा फिर मार दियो हमको, ठीक है ना? ठीक है ब्रो। कमांडर चला गया तू? हेलो, आई थिंक ये चला गया है। नुबड़ा जी हाउ आर यू? तू ठीक है भाई? हैं, मुझे बता तो तू यहाँ पे आया कैसे भाई, तू आया कैसे यहाँ पे, मुझे बचाओ प्लीज। अरे नुबड़ा जी मैं यही हूँ, मैं इधर ही हूँ भाई। तू पहली बात तू पैनिक मत कर, मुझे डर लग रहा है भाई, तू पैनिक मत कर। नुबड़ा जी जस्ट थम जा एक जगह पे, मैं हूं ना यहाँ पे सामने खड़ा, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। तू पता कौन है? तुझे आइडिया भी तू कौन है? तू एक बहुत बड़ा वॉरियर है, तू एक बहुत बड़ा वॉरियर, तेरे बराबर नहीं हूं मैं भाई। तुझे कुछ पता ही नहीं अभी तक, तुझे इस जगह पे क्यों डाला गया है मेरे साथ? क्योंकि तू एक बहुत बड़ा वॉरियर है, तेरे अंदर बहुत ज्यादा सुपर पावर्स है। तुझ याद, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत मारा इन्होंने। भाई मेरी बात सुन ब्रो, यहाँ देख मुझे गौर से देख, तू सामने देखता रहा जो मैं बोल रहा हूँ। याद कर जब तू एक बार एसजीओ के साथ था, तेरे अंदर से कितनी ज्यादा पावर्स निकली थी, तूने हिमलैंड्स के अंदर पूरे पूरे पहाड़ उखेड़ दिए थे भाई, तू कर सकता है। नहीं सॉरी, नहीं हो रहा कुछ। नुबड़ा जी यू कैन डू दिस, मैं मुझे तुझ पे विश्वास है, तुझे अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तुझे डर नहीं लग सकता भाई। अगर तू गरजेगा ना तो ये जो यहाँ पर नल्ला कमांडर खड़ा था इसके से 50 लोग तुझसे डरेंगे, समझा? तू इतना खतरनाक बंदा है, तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है, मुझसे कुछ ना हो सकता भाई। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? नुबड़ा जी तुझे प्रोफेसर की कसम है, ठीक है? ट्राई कर, यू कैन डू दिस। इन्होंने मुझे मारा, कोई बात नहीं, इस सब भाई तेरा बदला तो मैं लूंगा इनसे, तू बात मान मेरी, तेरा बदला मैं लूंगा और तू कर सकता है। यू आर द चैंप डूड, तुझसे लिख रहा भाई, ये जोर तो मार रहा है। लेट्स गो, इसके अंदर निकले, टूटल मत ब्रो। ओके इट्स बेस्ट हो रहा, बस कर सकता है। लेट्स गो, हां मैं कर सकता हूं, तू कर सकता है भाई। फूटा, ओ माय गॉड, लेट्स गो भाई, आजाद हो गया। होली शिट डूड, बहुत बढ़िया नुबड़ा जी, आप मुझे भी आजाद करो यहां से। व्हाट, होली शिट डूड, आई एम फ्री। ओ माय गॉड, भारा भाई तू। Oh shit dude, Oh my god, मैं भाग जाऊंगा, मैं प्लेस नहीं कर पा रहा ब्लॉक्स को। Shit, नुबड़ा जी इधर आ जा। Let's go भाई, अब आजाद कर, बाहर गिरना है, बाहर कूदना है मैंने यहाँ से। मैंने कर लिया स्मार्टी भैया, Let's go my boy, Let's go। अरे भाई ये कहाँ जा रहा है? मैं नीचे गिर गया था भाई। रुक, पानी है नीचे, पानी, मैं कूद रहा, भाग, नुबड़ा भाग, चढ़िया। Oh my god, bro. You are a champion, dude. भाई, one of the best escapes ever. नुबड़ा जी के लिए भाई एक लाइक तो बनता, 3 लाख लाइक अभी तक क्रॉस हो जाने चाहिए गाइस। I am telling you भाई, भाग, जब तक वो नल्ला वापस आएगा और हमको पकड़ेगा, हमको बहुत दूर निकलना है। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है। नुबड़ा जी मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताओ, आप यहाँ पर कैसे आए? I want to know everything. जल्दी बता भाई मेरे को, तू तेरा एग्जैक्ट क्या हुआ था? अरे 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 भाई क्या हुआ? What? नुबड़ा जी
अरे भाई मत, ठीक है मत बता, मत बता, मत बता भाई, मत बता, चल मेरे साथ अभी तू, तेरे को अभी सेफ जगह पे रखना ज्यादा जरूरी है, जल्दी है मेरे साथ भाई, तू डर मत, अरे भाई ये डर रहा है, जल्दी है भाई, आई एम सो सॉरी, तेरे को नहीं बताना ना अभी, तू बाद में बताइए मेरे को, कोई बात नहीं, तू बस अभी मेरे साथ चल। गाइस वो जो ड्रीम बॉय का लाइब्रेरियन जैसा बंदा नहीं था, उसके सेफ ठिकाने पे उसको लेके जाना पड़ेगा और उसको वहां पे छुपाना पड़ेगा, बिकॉज जब वहां पे छुपेगा तभी गाइस मैं भी खुश होने वाला हूँ। इसको सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, अभी भाई इसके अंदर से अभी भी पावर्स निकल रही है, माँ कसम यार, नूड़ा जी भाई आपने दिल जीत लिया मेरा, तू बस जल्दी जल्दी आ जा भाई मेरे साथ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं उस लाइब्रेरियन जैसे बंदे के पास, एंड यहाँ पर मैं नूबड़ा जी को एकदम सेफ रखने वाला हूँ। नूबड़ा जी ने बाय द वे गाइस मैंने इसे बहुत कोशिशें करी भाई, ये बोलने की हालत में ही नहीं है। नूबड़ा जी अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट से हम चल रहे, क्या अभी आप कुछ बता सकते हो, लाइक आप यहाँ पर कैसे पहुंचे हो, क्या चल रहा है? देखो भाई डर रहा है यार, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको, आप बस मेरे साथ चलो, आपको मैं एकदम सेफ रखने वाला हूँ। बट गाइस तुम लोगों को ना एक चीज सुन के बड़ी हैरानी होगी भाई, मैंने नूबड़ा जी से पता किया भाई, ये ना हर एक चीज से डर रहा है, मैं इसे पूछ रहा हूँ जब भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इसे अलग अलग टाइप की चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बात से डर रहा है। बट जब गाइस मैंने इससे अभी अभी किंग ओडिन का नाम लिया, किंग ओडिन का नाम पे डर ही नहीं रहा ये बंदा, और मैंने इसे जब डायरेक्ट पूछा कि भाई किंग ओडिन तुझे इस वर्ल्ड में लेकर आया क्या है, किंग ओडिन लेकर आया था क्या, देखो ना बोल रहा है भाई, मैं तो हैरान हो रहा भाई, इसको किंग ओडिन लेके नहीं आया तो ये यहाँ पर पहुंचा कैसे। अभी फिलहाल गाइस मैं इससे ना जितना ज्यादा पूछ रहा हूँ ये बेचारा उतना ज्यादा डरा हुआ है। नूबड़ा जी दूसरा चलना पड़ेगा हमको, हम गलत जगह आ चुके हैं। एंड बाय द वे तुम लोगों का गाइस याद होगा लास्ट एपिसोड ये कौन सा टावर है भाई, ये बहुत ही सैड टावर है, मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है इसके बारे में सोच के अभी। खैर छोड़ो, आ जाओ नूबड़ा जी, मुझे गाइस बस फिगर आउट करना है कि नूबड़ा जी इस वर्ल्ड के अंदर कैसे आया भाई, बहुत अजीब सी बात है ये वाली। बट हम लोग हाँ वहां पर है वो जगह, आ जाओ नूबड़ा जी, मैं आपको बस सेफ रखना चाहता हूँ एक बारी, एंड आई रियली होप कि वो बंदा यहाँ से अंदर मिल जाए। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, जल्दी चलो, कोई आसपास देख लेगा ना अपने को तो दिक्कत हो जाएगी। एंड बाय द वे गाइस हमारे हिमलैंड के जो भी वॉरियर्स इस वर्ल्ड में आते हैं भाई, नूबड़ा जी वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरियर्स है भाई। अरे क्या कर रहे हो नूबड़ा जी, आप मेरे को क्यों तंग कर रहे हो यार, मैं तो आपका दोस्त हूँ यार, आ जाओ जाओ, अरे डर मत डर मत डर मत डर मत, दोनों मत डरो, अरे 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 भाई 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 इधर, ए ब्रो मैं हूँ भाई, पहचान ना मेरे को भाई, तेरे दोस्त का दोस्त हूँ मैं नूबड़ा जी, ये हमारा बहुत खास मित्र है, ये आपके साथ यहाँ पे रहेगा, ये आपकी रक्षा करेगा, ठीक है ना भाई, ये छोटू सा घर है इसका, आप यहाँ पे एकदम सेफ रहने वाले, डोंट इवन वरी। तुम दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर देना भाई अच्छे तरीके से, ठीक है, नहीं नहीं नूबड़ा जी डरो मत, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसका नाम नूबड़ा जी है, ठीक है भाई, एंड इज अ वेरी नाइस गाय, और बाय द वे ये भी हमारे हिमलैंड से आया हुआ है, एंड इसको यहाँ पे, और अब अभी तू चैट भी नहीं कर रहा भाई ये बंदा, कसम जिसका तो नाम भी चेंज हो चुका है। आपको पता है गाइस, तुम लोग मैं बताता हूँ, जब इस वर्ल्ड के अंदर आप स्लेव बनते हो ना तो आपकी मेमोरी भी लॉस हो जाती है, साथ में आपका नाम भी चेंज हो जाता है, तो नूबड़ा जी का नाम पहले चेंज हो चुका है और ये ऑलमोस्ट स्लेव बनने वाला था, दिस मीन्स ये बहुत पहले इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, हमसे भी पहले का ही इस वर्ल्ड के अंदर। एंड ऑफ कोर्स नूबड़ा जी इतना ज्यादा शरीफ है कि ये जो सर्वाइवल सिचुएशंस में इसको डाला होगा ये पक्का फेल हो गया होगा, दैट्स व्हाई ये बहुत इजीली स्लेव बनने वाला था। भाई आप इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, पूरे तरीके से। एंड दो मिनट एक काम करो, आप मेरे साथ बाहर चले, करी आप मेरे साथ बाहर आओ, नूबड़ा जी आप अंदर बैठो आराम से, ठीक है ना, हम आ रहे हैं बस दो मिनट में, फटाफट आ रहे हैं, आ जा भाई एक बार जल्दी जल्दी बाहर आ जाए, बारी तुझसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आ जा देख, तेरे से मैंने इन्फॉर्मेशन निकालनी है तीन या चार। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये कि भाई भाई कोई हम पे नजर तो रखा है, अंदर 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 आई थिंक कोई हम पे नजर रखा हुआ अभी, ओ शिट डूड, अगर देख लेता कोई हमको तो दिक्कत हो जाती है। हाँ चल, तो मुझे यही पता, ठीक है ना, पहली चीज मुझे नूबड़ा जी ने बताया कि भाई जैसे हम लोगों को और बाकी सारे वॉरियर्स को कौन लेकर आता है, किंग ओडिन, राइट, इस वर्ल्ड के अंदर है ना, वही अकेला दलाल है जो ये काम करता है, पर नूबड़ा जी को किंग ओडिन लेकर नहीं आया, वो किसी और तरीके से यहाँ पर आया हुआ है, आई हैव नो आइडिया कि वो यहाँ पर कैसे आया। फिर तुझे मुझे बताना इस बारे में, एंड तेरे को मुझे ना एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, वो जगह वो पिट याद है जिसके अंदर मैं, तुझे तो पता ही नहीं होगा, एक ऐसा पिट है यहाँ पे जहाँ पे ना आई थिंक बहुत सारे स्लेव्स को धक्के मार मार के अंदर डाला जा रहा है, उसका राज, ये दो चीजें तुझे मुझे अभी बतानी है भाई, फटाफट बता मेरे को। ऑल राइट गाइस, तो मैंने भाई जी से बात कर दी है, ब्रो इसने मुझे क्या बताया कि इसको नो आइडिया, किंग ओडिन के अलावा अगर वो किसी और तरीके से यहाँ पर आया हुआ है, इसको छोड़ो पूरे लैंड ऑफ सर्वाइवल में किसी को आइडिया ही नहीं है,
कि नूबरा जी यहाँ पर कैसे आया, ये बहुत बड़ा राज है। एंड अगर हमको ये पता चल गया वो कैसे आया तो हो सकता है कोई और रास्ता खुल जाए यहाँ से बाहर निकलने का। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और गाइस इसने मुझे बताया कि जिस छेद के अंदर हम लोग घुसे थे ना लास्ट एपिसोड में, जिसके बाद हम लोग किडनैप हो गए थे बाय द वे, है ना भाई, इसने मुझे बताया कि उस पर्टिकुलर छेद के अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार कोई वहां पे अगर बाहर का बंदा चला गया जैसे कि मैं गया था, तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। तो वैसे वैसे और बहुत सारी जगह इस वर्ल्ड के अंदर है, तो इसने मुझे एक पर्टिकुलर वर्ल्ड की कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिया। इसने बोला तो वहां पर जाएगा तो तुझे बस ध्यान देना पड़ेगा। और इसने बाय द वे गाइस मेरे को यहां पर बोला है कि ये देखो यहाँ पे मुझे डेलाइट सेंसर, ये देखो ये यहाँ पे सब कुछ ये बंदा मुझे दे रहा काम का सामान जो मेरे काम वहाँ पे आ सकता है। थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत जल्द वापस आऊंगा। तू भाई नूबड़ा जी का ध्यान रखियो, अरे बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई ये। मुझे गाइस किसी भी हालत में नूबड़ा जी को बचाना है भाई, ठीक है ना। अब तो मेरे पास बहुत अलग अलग मकसद आ चुके हैं भाई इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का। एक बार मुझे गाइस उस छेद के अंदर जाना है, उस गड्ढे के अंदर जाना है, एंड आई हैव टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे ही गाइस ये चीज फिगर आउट हो जाएगी कि उसके अंदर चल क्या रहा है, तो हो सकता है कि कोई और पॉसिबिलिटी खुल जाए यहाँ से बाहर निकलने की। अभी फिलहाल को गाइस मैं सारे के सारे कड़ियों को जोड़ ही रहा हूँ भाई इस वर्ल्ड के अंदर से बाहर निकलने के लिए। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग ऑलमोस्ट इस जगह पे पहुंचने वाले हैं। एंड बाय द वे मैंने अभी उस लाइब्रेरियन जैसे बंदे से बात करी ना, तो उससे मैंने एक चीज पूछा था। अब यहीं से गाइस हम लोगों को ना बहुत स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक ये सामने कहीं पे वाली जगह जहां पर एक और गड्ढा है जहाँ पर स्लेव्स वगैरह को अंदर डाला जाता है, उसका रास्ता तो पता करना ही करना है। बट उससे मैंने एक और चीज पूछी, उसने मेरे को बोला कि अगर तेरा जो नूबड़ा जी है ये इतना ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना हम लोग इसके धमाके का कुछ इस्तेमाल करके इस जगह से बाहर निकलने की ट्राई करें। तो वो चीज हम लोग करने वाले हैं। नूबड़ा जी गाइस हमारे लिए बहुत ही तगड़े वाला एसेट हो सकता है इस चीज में यहाँ से बाहर निकलने के लिए। आराम आराम से चलेंगे, वो गड्ढा आस पास ही होना चाहिए यहाँ पे। सुनो थोड़ा ऊपर भी चल। ओ मुझे बंदा दिखा, मुझे बंदा दिखा वहाँ पे। वेट 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 वेट, F5 से देखूंगा। ओ माय गॉड भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं भाई। अगर इनमें से मुझे एक ने भी देखा सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। थोड़ा छुप छुप के चलना पड़ेगा। रुको पूरा घूम के आऊंगा भाई, पूरा का पूरा प्रॉपर घूम के आऊंगा। और यहाँ पर कहीं से मैं इस जगह को देखने वाला हूँ। ओके यहाँ से मैं आगे आके F5 में देख सकता। ओ माय गॉड, नीचे देखो गाइस वहाँ पे तुम लोग। ओ शिट डूड, वहां पर बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा काले वाला भाई, उसके अंदर जाना है और मुझे पता करना है कि अंदर चल क्या रहा है। गाइस मुझे बस इन काउंसिल वालों के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत चाहिए, और ये कौन है क्या, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन चलेगी। एंड गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आसपास कहीं पर सिस्टम बनाता हूँ, इन सबको अपने पीछे लूर करता हूँ ताकि व्हाट, दो बंदों को और लाया जा रहा है गाइस अभी, और इसी वक्त मेरे को अंदर जाना पड़ेगा अभी, और इसी वक्त अभी मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नीचे देखो भैया, घेरा दिया हुआ इन दोनों के भाई, मुझे अभी सभी का ना इन्हीं दोनों के ऊपर होगा सारा का सारा फोकस। ओ माय गॉड, फेंक दिया भाई नीचे, शिट डूड। और इस बंदे को देखो कितना चालू है भाई, वहां पे आके खड़ा हो गया। ओके ये सारे के सारे बंदे एक्टिव है इसका मतलब, है ना। और ये वहां पर आके स्टैचू ऐसा खड़ा हो गया। ओके वेट वेट वेट, दूर चल दूर चल दूर चल दूर चल दूर चल, एक बार तू भाई फटाफट दूर चल। और यहाँ नीचे आई थिंक ये परफेक्ट जगह है गाइस, यहाँ पर मैं अपने लिए वो सिस्टम बना रहा हूँ। और अभी और इसी वक्त दो नए बंदों को अंदर डाला गया भाई, अभी मेरे को बहुत तगड़े वाली मस्त वाली इन्फॉर्मेशन लोग दे सकते हैं। अब देखो गाइस मैं तुम लोग को बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब से लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ इस वर्ल्ड के अंदर भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने रात देखी है। बट यहाँ के लोकल बंदों के हिसाब से, वो जो लाइब्रेरियन जैसा बंदा, उसने मुझे बताया भाई यहाँ पे सुबह भी होती है रात भी होती है, ये तुझे दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे कि रात हो रही है, हमें तो डिफरेंस महसूस हो जाता है। तो अगर यहाँ पे गाइस रात भी होती है सुबह भी होती है, तो ये डे लाइट सेंसर 100% काम करने वाला है फिर तो। और अगर ये डे लाइट सेंसर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव होगा ये चीज यहाँ पे, ठीक है ना भाई। रेड स्टोन के रिपीटर को यहाँ पे लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और ये एक्टिवेट हो चुका है, लेट्स गो। अब जैसे यहाँ पे रात होगी ये चेंज होगा और ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। भाई साहब हमारा काम हो रहा है बढ़िया से। चलो भाई अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत ब्लॉक्स नीचे निकाल के डायरेक्ट चलते हैं इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। दिल में धक धक हो रही है भाई माँ कसम, लेकिन बाहर में जाए भाई, मैं जा रहा हूँ ऊपर, जो भी इनमें से देखेगा देखी जाएगी। हेलो मेरे बेटे, तुम्हारा बाप आ चुका है स्मार्टी भाई। ओके ये बंदा देख रहा है। यो व्हाट भाई, ये क्या हुआ। ओके चल 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 भाई अभी भागना पड़ेगा। निकलो स्मार्टी भैया, बस आपको ज्यादा बॉल मार के आ गया। इस्तेमाल कर सकते, मुझे हवा उड़ा देंगे लोग, मुझे बस ऐसे भागते भागते कि बस ये लोग मुझे टच ना कर पाए, ये करना है 10 मिनट टाइम वेस्ट। ओके इसने पल मारी, पल मारी एक बंदे ने, निकल 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 निकल। ओ माय गॉड, ओ शिट डूड भाई
ये बंदा तो भाई सामने से घूम के आके पूरा कबरा। गाइस मेरे को बस ऐसे दूर जाना है, बस मुझे टच ना कर पाएगा, मुझे टच किया तो मुझे हवा में उड़ा देगा। एक भाई ने मुझे ग्रेविटी वाली चीज से हवा में उड़ा दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, फिर मुझे कंट्रोल कर पाएंगे और फिर तो भाई साहब मैं क्या करूं। और मुझे इनको बस दूर लेके जाना है, मुझे बस इनको दूर लेके जाना है भाई, पानी के बीच फंस गया हूं मैं। एंड आई थिंक अगर मैं 7-8 मिनट 10 मिनट अगर मैंने वेस्ट करवा दिए तो शायद से उतने काफी होने चाहिए वो एक्टिवेट होने के लिए। मैं करवा दूंगा। आजा आजा मेरे बच्चे, मुझे पकड़ के दिखाओ तुम लोग भाई, मैं नॉट एक्सपर्ट हूं। मैं पकड़ तो नहीं पाएंगे लोग मेरे को, इतना तो मुझे पता है। चल बहुत नजदीक है भाई, पूरी फौज पड़ी हुई है मेरे पीछे। ओके आई थिंक जितने भी बंदे वहां पर थे वो सारे के सारे मेरे पीछे पड़ चुके हैं अभी। ओके चल, अगर गाइस मैं किसी एक केव के अंदर चला गया तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा अभी। और ये सामने के लिए मुझे काफी अच्छी अच्छी केव दिख रही है, आई थिंक केव है कि क्या, ये गड्ढा ऐसा है। और ये देखो सारे के सारे बंदे मेरे पीछे भाई, ओ माय गॉड भाई, इन लोगों से एस्केप करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। बहुत सारे बंदे, बस टाइम वेस्ट करना मैंने इनको और कुछ भी नहीं करना है, बच जाऊंगा मैं। लेकिन मुझे तो पता यार ये नल्ले तो मुझे नहीं मार पाएंगे, काउंसिल वाले बंदों को मारने का दम रखता हूं, तो उनके भी चेले है भाई, तो कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, बदसूरत है सारे के सारे। ओके भाई मेरे को एक एफ एम देखना पड़ेगा। अरे मेरे पीछे भाई ये लोग, शिट डूड ये कितने फास्ट है ये। ओके मैं आगे के लिए भाग रहा, बस मैं जा रहा हूँ इस गड्ढे के अंदर, बाढ़ में सब कुछ, और इस गड्ढे के अंदर जाकर मैं इन सबसे सेफ रहने वाला हूँ। गड्ढे के अंदर मुझे अगर ढूंढ ना पाया ना भाई, थोड़ा टाइम वेस्ट बस और करना है मेरे को, लेट्स गो, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ओके उन्होंने मुझे देखा है, मैं गड्ढे के अंदर एकदम सही सलामत जा चुका हूँ। वेट मुझे इनकी आवाज आ रही गाइस, ओ माय गॉड ये सारे उस गड्ढे के अंदर आ चुके हैं, मैं साइड से निकल जाऊंगा। मैं तो भाई साइड से गड्ढे में छेद करके बाहर निकल रहा, बाढ़ में जाए भाई, लेट्स गो, फुद्दू काट दिया इसका मैंने। और ये लोग आए तो 300 किलो टाइम पे बाहर आने वाले भाई, मैं यहां से भाग रहा हूं, मैंने इनका बहुत तगड़े वाला टाइम वेस्ट करवा दिया है बाय द वे देखा जाए तो। एंड आई डोंट थिंक सो कि बंदे अभी यहां पर पहुंच रहे बाहर के लिए, इन लोगों के लिए मुझे पकड़ना इम्पॉसिबल है भाई। तुम्हारा भाई है यहाँ पे तगड़े वाला मैनेट एक्सपर्ट, एंड बाय द वे ये लोग मुझे दिख भी नहीं रहे मेरे आसपास, मैं यहाँ से एस्केप कर चुका, लेट्स गो बॉयज। और इसी के साथ भाग थोड़ा और भाग ऊपर के लिए, आई थिंक ये लोग मेरे पीछे नहीं है, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, इनको पूरे तरीके से मैंने चकमा दे दिया भाई साहब। तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है चकमा देने में भाई, जो मैं गड्ढे में घुसा हूँ ना तो दिल की धड़कने तेज हुई, मेरे को बहुत सारे लोगों की आवाज है उस टाइम पे बाय द वे घुसने के अंदर, बच गए भाई, गौ माता जी बहुत मजा आ गया आज तो। ओके एक्टिवेट हो गया, चल अभी वहां पे आई थिंक एक भी बंदा नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक जैसे इनको पता चलेगा मैंने इनका फुद्दू काट दिया, लोग वापस से यहाँ पे आ जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड बन के और यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। चल फटाफट भागना पड़ेगा यहाँ से, और पहले तो मैं देखूंगा आसपास नहीं पहुंचे लोग, नहीं पहुंचे भाई अंदर, क्या है भाई अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है एक्चुअल में। ओके और क्या मैं इन ब्लॉक्स को तोड़ पा रहा हूँ? ऑफकोर्स नहीं तोड़ पा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ब्लॉक भी प्लेस नहीं कर पा रहा, देखो गाइस। ऑल राइट तो ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जो मैंने सोची थी, एक बार इन्हें मैं छलांगे मार मार के आराम आराम से अंदर जाने वाला हूँ, ठीक है ना भाई। जगहें ढूंढ ढूंढ के मैं 1 हार्ट में सरवाइव किया, मैं पागल हूँ भाई। पार्टी तो क्या करता है भाई हरकतें, अगर मैं अभी मर जाता तो मैं पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो जाता भाई। रुको एक सेकंड, मुझे खाना खाना पड़ेगा एक बार जल्दी जल्दी, मैं बच गया हूँ अभी भाई गॉड की कसम यार। चल अब आराम आराम से नीचे चलना पड़ेगा, एक तो बहुत कमजोर हूँ मैं, पर आर्मर अच्छा वाला नहीं है भाई। यहाँ पे जा कहाँ रही है ये जगह? यहाँ पर एक गुफा जा रही है अंदर के लिए, अंदर आए तो नहीं ना अभी तक, फिलहाल के लिए कोई पहुंचा नहीं यहाँ पे, दिस इज गुड। और ऊपर बंदा ही ऊपर नहीं, ऊपर कोई ब्लॉक लगा हुआ, ठीक है भाई। चलो भाई आराम आराम से अंदर चलते गाइस, एंड आई होप कि अंदर कोई बंदा मुझे जंप स्केयर देने के लिए ना खड़ा हो, बस बाकी तो भैया भगवान भरोसे है। चलो भाई एकदम आराम आराम से चलेंगे आगे के लिए। पीछे बंद हो गया, नहीं भाई यही मेरे साथ क्यों होता है हमेशा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चल 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 फटाफट भाग के चल, भाग के चल, ये लोग पीछे से ना आ जाए, बस यहाँ पे दिक्कत हो जाए। सामने डेड एंड है ब्रो, ओ माय गॉड, ए यहाँ पे जगह 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 मैं सोच, वेट अ सेकंड, व्हाट द हेल डूड, नीचे के लिए कुछ तो कर। ओ माय गॉड गाइस देखो अभी यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को ना वहाँ पे एक और डे लाइट सेंसर को एक्टिवेट करना चाहिए था, मुझे कम से कम 7-8 मिनट का टाइम मिलता राइट। अगर मैं डे लाइट सेंसर को एक्टिवेट करके आता, 7-8 मिनट का टाइम मिलता, उतने में मैं अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के बाहर गिर जाऊँ। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अब तो देखे जाएगी गाइस। मैं यहाँ पे तोड़ भी नहीं सकता इन ब्लॉक्स को भाई साहब, अनप्लेसेबल अनब्रेकेबल भाई, मेरे साथ ऐसे क्यों होता। चल भाई देखी जाएगी, व्हाट ये क्या है, वेट आई एम सो कंफ्यूज्ड ब्रो, भाई ये तो अजीब सी जगह यार, सुरंग जैसी नीचे, और सुरंग के एंड में क्या है मुझे वो भी दिख रहा है। ओ माय गॉड डोंट टेल मी कि नीचे वॉइड है भाई साहब, ये हिमलैंड्स के अंदर क्या होता रहता है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता है। गाइस इससे पहले
कि ऊपर से वो गार्ड्स वगैरह दोबारा वापस आ जाए और किसी और स्लेव को ऊपर से धक्का मारने के लिए इस टनल के अंदर आ जाए। मुझे खुद ही अंदर लगता छलांग मारनी पड़ेगी। मेरे पास वाटर बकेट क्यों नहीं है भाई? मैं क्या नूबड़ा हूँ यार। भाई स्मार्टी मार दे छलांग, देखी जाएगी भाई, देखी जाएगी भाई। क्या है? सेंटर में जगह है, सेंटर में जगह, सेंटर में जगह। व्हाट ब्रो, मैं कहां से आया? ऊपर बंद तो रखा है। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल ब्रो, यहां पर पूरी की पूरी सिटी है। ओके दिमाग लगा, यहां पर सिटी का काम क्या हो सकता है? अंडरग्राउंड सिटी का काम क्या हो सकता है? आई थिंक गाइस ये उनकी कोई ना कोई सीक्रेट सिटी हो सकती है। मे बी वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स की एक सीक्रेट सिटी हो सकती है, या तो फिर किसी और की। ओके ब्रो, ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है कि अंडरग्राउंड में यहाँ पर एक सिटी है, ठीक है ना? आई थिंक अब मैं यहाँ पे, ओ वहां पर देखो छेद दिख रहा है मेरे को वहां पे। आई थिंक मैं उसके अंदर छलांग मार सकता हूँ। भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ। ओके स्मार्टी, 3, 2, 1 लेट्स गो। जय माता दी भाई, जय माता दी, लेट्स रन। व्हाट ब्रो, ओए नीचे बंदा खोद रहा है। ये वही बंदा है, ये वो स्लेव है ब्रो, ये वो स्लेव है, और वहां पर भी एक स्लेव है। भाई लोग हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही मेरी? ओ नीचे को स्लेव है, इसमें देखा, डर के भाग रहे। ये ओके ब्रो, डर के भाग रहे अभी। रुके, एक और स्लेव था यहां पे, ये भी डर के मारे भाग गया। भाई लोग मेरी बात सुनो, मैं हिमलैंड से आया हुआ हूं, मैं हिमलैंड का एक वॉरियर हूं तुम लोगों की तरह। आई डोंट नो कि तुम लोगों की भी यहां पे वो लाइक क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी हटाई है कि नहीं हटाई है मुझे नहीं पता, बट भाई लोग मैं हिमलैंड्स का वॉरियर हूं, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूं यहाँ पे। तुम लोग बाहर आ सकते हो आराम से। तुम लोग एक सेकंड, अरे भाई तुम लोग देखो मेरी शक्ल, देखो यार तुम लोग मेरा आर्मर उतार दिया मैंने। देखो मैं एक नॉर्मल बनता हूँ, हिमलैंड से आया हूं मैं तुम लोगों के जहान से आया हूं। हेलो हेलो हेलो, भाई इनको पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, ये रुके मुझे वहां से देख रहा है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूं। यस एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं यहां पे। ब्रो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कितनी तगड़ी गुफा है, लेकिन देखो इसको, माय गॉड और से भरी हुई है। ये रुके बंदा बाहर आ गया। ब्रो मैं नीचे कूदने वाला हूँ, मुझसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? डरना मत मुझसे, ठीक है ना भाई लोग? मैं तुम लोगों की रक्षा करने आया हूँ यहाँ पे, और अभी तुम लोगों से मुझे बस इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये क्या जगह है, और हम लोग क्या, तुम लोग यहाँ पर लाइक क्या कर रहे हो, और तुम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया जाए। भाई डर मत भाई, डर रहा है, डर रहा है। ओके मैं इसको कन्विंस कर सकता हूँ। यहाँ देख, ये है, सब फेंक दिया, ठीक है ना? डरो मत, नीचे आ जाओ, आराम से आ जाओ। वेरी नाइस, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं, नीचे आ जाओ भाई। हाँ शाबाश। ओके तो भाई मैं तुम लोग को अपना इंट्रो देने वाला हूँ। आई नो कि तुम लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, पर तुम लोग सारे सेम क्यों हो यहाँ पे, कुछ तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब। ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, लग रहा है ट्विन्स है, बट इनके जैसे और बंदे भी हमें बहुत ज्यादा दिखे हैं। ओके तो मैं, डरो मत, मैं तुम लोग अपना इंट्रो देने वाला पहले। इनफैक्ट अगर तुमको डर लग रहा है ना तो आप नीचे आ जाओ, मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है? थोड़ा दूर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, नीचे आ रहा भाई जी आप। देखो भाई लोग, मैं स्मार्टी पाए, मैं हिमलैंड से आया हूँ, और लैंड ऑफ सर्वाइवल में एज अ वॉरियर आया हूँ मैं। मेरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ तुम लोगों की तरह, एंड आई थिंक तुम लोग हार चुके थे उन टेस्ट में, तभी तुम लोग स्लेव बना दिए गए हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम तीनों को यहाँ से 100% बाहर निकालने वाला हूँ, 110% बाहर निकालने वाला। तुम लोग मुझे विश्वास कर सकते हो भाई, आई एम अ रियल गाय, ठीक है? मैं वो बुरा आदमी नहीं हूँ गाइस। मैं इन लोगों से बात कर, ओ थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए गाइस। मैं इन तीनों से बात करके आता एक बारी। ऑल राइट गाइस, तो इन तीनों से मैंने बात कर दिया ब्रो, इन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं, इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई है। इन्होंने गाइस मुझे बताया कि ये जो जगह है ना, ये बहुत ही तगड़े वाली स्पेशल माइनिंग एरिया है, जहां पर आसपास सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इसको तुम लोग जितना मर्जी खोदोगे, 10,000 ब्लॉक भी खोदोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स, यहाँ पर एमरल्ड्स, गोल्ड और ये एमेथिस्ट वगैरह ही मिलता है। ये सबसे ज्यादा अमीर जगह है, एंड बाय द वे ये उन 12 में से कोई एक काउंसिल वाला बंदा कर रहा है। और तुम लोग को बताए मेन बात क्या है, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ मेन बात गाइस यहाँ पर ये है। इन्होंने मुझे बताया कि वो जो 12 काउंसिल वाले बंदे हैं, उनमें से इनको लगता है एक तो मर चुका है, तुम लोग को ही पता है, और जो बचे हुए 11 बंदे उनमें से एक बंदा इस माइनिंग एरिया को कंट्रोल करता है और पूरे तरीके से धोखा दे रहा है बाकी 10 बंदों को। बाकी 10 बंदों को आइडिया भी नहीं है कि वो यहाँ से पैसे कमा रहा है। वो इतने अमीर है कि वो बंदा अपनी अमीरियत में और पैसा जोड़ रहा है यहाँ पे इल्लीगल माइनिंग करके, क्योंकि बाकियों को पता नहीं है। तो इन्होंने मुझे बताया कि अगर तू उसको एक्सपोज भी कर देगा ना जैसे जैसे करके, तो बाकी 10 बंदे उसको इजीली मार देंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही बेसिकली, ऐसा नहीं कि 12 काउंसिल वाले बंदे तो आपस में दोस्त है, एक नंबर के घटिया क्रिमिनल्स मान सकते हो तुम लोग इनको।
सीधा मार देंगे उसको बिना सोचे समझे, तो हमारे पास एक एडवांटेज हो सकता है। एंड बाय द वे गाइस, तुम लोगों को मैंने एक बात बताई नहीं अभी तक, तुम तीनों की बात कर रहा हूं, मैं ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूं। तुम लोगों को मैं 12 घंटे के अंदर बचाने आऊंगा, 12 घंटे 100%। मैंने कुछ प्लान्स बनाए हुए यहां से बाहर निकलने के, एंड अगर वो पूरा हो गया तो 12 घंटे के अंदर एक बहुत ही बड़ा हिंट दूंगा मैं तुम लोगों को। हिंट भी नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे क्या बोलते हैं, साइन। एक बहुत बड़ा साइन दूंगा तुम लोगों को, मतलब अपने आप 12 घंटे में बहुत बड़ी आवाज सुनाई देगी। एंड टेंशन मतलब उसी टाइम पे तुम लोगों के पास बाहर आना, ठीक है ना, जैसे करके ब्रेव बनना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और गाइस इसके अलावा मैंने इनसे ना किंग ओडिन के बारे में पूछा, इन्होंने बोला जितने भी हेमलैंड्स के वॉरियर है सबको किंग ओडिन लेकर आता है, तेरा वो जो दोस्त नूबड़ा जी यहाँ पर आया वो पता नहीं अगर किसी और तरीके से आया तो वी हैव नो आइडिया, इन लोगों को भी नहीं पता है कि नूबड़ा जी यहाँ पर किसी और तरीके से कैसे आ सकते हैं। इनफैक्ट ये तो बहुत हैरान हो गए कि किंग ओडिन के अलावा कोई और बंदा कैसे उसको लेकर आ सकता है। तो इसने मुझे गाइस किंग ओडिन के बारे में दो बातें बताई है। पहली बात जो ऑलरेडी हमको पता है, वो बहुत लालची है, पर इन्होंने मुझे बताया कि वो इतना ज्यादा लालची है भाई कि वो ना एकदम से इन काउंसिल वाले बंदों के खिलाफ पलटी मार देगा अगर हमने उसको बहुत तगड़े वाला लालच दिया। तो हमारे पास गाइस एक एडवांटेज हो सकता है अगर मैं इस पे दिमाग लगाऊं कि हम लोग किंग ओडिन को कैसे लालच वगैरह दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इसने मुझे एक और बात बताई गाइस कि जो काउंसिल वाले बंदे हैं किसी ने भी नहीं देखे आज तक, किंग ओडिन ने भी नहीं देखे। मुझे लग रहा था शायद से किंग ओडिन उनके साथ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट करता है, बट नहीं, किंग ओडिन के पास सिर्फ और सिर्फ आवाज आती है, एक आवाज सुनाई देती है उसको कि ऐसा करना है भाई, एज बस किंग ओडिन काम कर देता है, क्योंकि भाई किंग ओडिन को ही मार देंगे वो लोग अदरवाइज अगर वो काम नहीं करेगा तो। और इसके अलावा गाइस इन्होंने मुझे ना किंग ओडिन की बहुत बड़ी बात बताई है, किंग ओडिन क्या करता है, सारे के सारे वॉरियर्स का ब्लड इकट्ठा करता है इस वर्ल्ड के अंदर, और हमारे मेन हिमलैंड्स के अंदर भी वो बंदा ना ऐसी हरकतें करता है, लोग सो रहे होते हैं उनका ब्लड इकट्ठा कर रहा होता है और पता नहीं कहाँ पे स्टोर करके रखता है और पता नहीं उसका क्या काम है उन ब्लड से। तो इन्होंने बोला है कि अगर तुम उस ब्लड वाली जगह को भी ढूंढोगे तो वहां से भी तुम लोग आई थिंक उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हो, और भी बेसिकली उन्होंने बोला कि वो ब्लड से कुछ तो इविल हरकतें करता है, पर क्या करता है फिलहाल को पता नहीं है, वो भी हम लोग पता करने वाले। गाइस तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ, 12 घंटे के अंदर पक्का आऊंगा, हम लोग 12 घंटे के अंदर एस्केप करने वाले इस जगह से भाई। बाद में मैंने ट्राई करा, देखो गाइस यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ स्लेव्स को, इन बंदों को यहाँ पे एक्सेस मिला हुआ है इस खुदान को खोदने का, अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं इस जगह को खोद भी नहीं पाऊंगा, ना ही मैं ब्लॉक प्लेस कर पाऊंगा ब्रो। देखो ये खोद पा रहा है, इम्पॉसिबल है मेरे लिए भाई। तो ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, मैं जा रहा हूँ और बस तुम लोग मतलब तुम लोग वेट, ठीक है। वो ये क्या वो है जो मैं सोच रहा हूँ, आर यू सीरियस डूड, गाइस वेट, एनिमी स्लेयर, ओ शिट, वेट, ऊपर से आवाज आएगी तुम लोग को, मे बी हम पे नजर ना रख रहे, मैं छुप रहा हूँ यहाँ पे दो मिनट के लिए। ब्रो ये वो वाली गन है जो यहाँ के गार्ड्स वगैरह यूज करते, वही है ना ये। ब्रो ये आपके पास कहाँ से आई, मुझे एक बार बता जरा कहाँ से आई और क्या इसका यूज करना सेफ है कि नहीं है भाई, मुझे बता जरा। ऑल राइट गाइस, तो मैंने इन लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि जो एनिमी स्लेयर है ना इनके पास कहाँ से आया। देखो इसने मुझे बताया, इस बंदे के पास ये था, देखो इसने मुझे बताया गाइस कि आज से 5 साल पहले लगभग एक गार्ड ऊपर से नीचे करके गलती से मर गया और उसकी इन्वेंटरी के अंदर से छूट गया, बट इसने मेरे को बताया इसने आज तक एनिमी स्लेयर का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे इस स्टिक का इस्तेमाल होता है ना गाइस, एंड बाय द वे ये ना एक नॉर्मल से स्टिक लगती है, और इसको देखो यहाँ पे नॉर्मल से स्टिक, ये कंबाइन भी नहीं होती भाई, अलग अलग है दोनों की दोनों। तो इसने मेरे को बताया कि इसका इस्तेमाल जहां भी इस वर्ल्ड के अंदर होता है काउंसिल वाले बंदों को एकदम से लोकेशन लग जाती पता, और वो फिर ऊपर से देखना स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है, एंड अगर कोई नॉन गार्ड बंदा इसका इस्तेमाल करेगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई इसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त पे इसका इस्तेमाल करियो और वहां से भाग जाइयो, कम से कम 1000-2000 ब्लॉक ऐसे भाग के जाइयो भाई तू, अदरवाइज काउंसिल वाले बंदे तुझे एकदम से पकड़ के कोई और सर्वाइवल सिचुएशन में डाल देंगे यहाँ पे, तो काफी डेंजर बात है। क्या 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 दिखाओ पर आपको, ओके ये कुछ तो कर रहे हैं भाई हरकते। अरे भाई मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा यार, तुम लोग ना मेरा बेवकूफ ना बनाओ यहाँ पे फालतू में। वेट वेट, घर जाके भागो भाई, तीनों के तीनों पहले छुप गए, ये लोग खुद को लोगे भाई। भाई वेट, एनिमी स्लेयर एक को उठाऊंगा मैं, एक गिर गया नीचे एक बंदा, लेट्स गो, आजा आजा, तेरे को मैं दूर फेंक के मारेगा, लेट्स गो। अरे भाई मर गया बंदा, ओके एक 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 बंदा मेरे पीछे पड़ा, आई डोंट नो कि एक बंदा मरा है कि नहीं मरा है। तू मेरे नजदीक एक बारी, तेरे को मैं उठाऊंगा, लेट्स गो भाई, ओके डूड्स नीचे गिर के मरेगा, लेट्स गो। कोई इनमें से बचा हुआ तो नहीं है, आई जस्ट वांट टू, ए पकौड़े सालो तुम लोग छुप गए थे मेरे को छोड़ के अकेले शहर, ओके एक गार्ड भी खड़ा नीचे, रुको इसको अगर मैं उठा पाया भाई, भाग रहा है बहुत तेज है भाई, पकड़ लिया तुम्हारे भाई ने, नीचे रखो बॉयज एंड गर्ल्स नीचे रखो,
नीचे रखो। क्या करेगा, क्या करेगा मेरी बीजी। तुम दोनों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मारो उसको, जितना मार सकते हो मारो उसको। लो मैं इसको हवा उड़ा के ला रहा भाई, मैं इसको पूरा का पूरा वो कर रहा हूँ यार, क्या मस्त मजा लग रहा है। मारो 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 मारो, बदला लो इसकी ऐसी तैसी, ऐसे ही मरना चाहिए बंदा, ये ऐसे ही मरना चाहिए, ठीक है ना भाई। टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है अभी। मारो 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 इसको, ये बचना नहीं चाहिए आज इसको, हम लोग इसी की इस अजीब सी। That was good, guys. That was epic. और अभी by the way, यहाँ पे हमारी लोकेशन रिवील हो चुका। अरे मैं हूँ भाई, मुझे क्यों मार रहा है तू? यहाँ पे मेरे को बाहर निकलने का रास्ता बता, मेरे को बाहर निकलना है यहाँ से। तेरा तीसरा साथी कहाँ है? उसको छोड़ भाई, छुपा हुआ बंदा, मेरे को जल्दी बता। ओके गाइज, तो ये बंदा बोल रहा है कि उस बंदे को पता है रास्ता यहाँ पे कोई है बाहर जाने का, जहाँ से ये मास्टर्स वगैरह बाहर निकलते रहे, ठीक है। मेरे को जल्दी जल्दी लेके चल भाई तू, क्योंकि अभी गाइज हम लोगों ने यहाँ पर एनिमी स्लेयर का इस्तेमाल किया है, तो उन काउंसिल वाले बंदों को पता है। तू जा ऊपर जा, तू ऊपर ऊपर जा तू, अगर तुझे उसने नॉन माइनिंग करते हुए देखा तो तुझे मार भी सकता है वो, ठीक है ना भाई। तो जल्दी जल्दी जा भाई, इनको मार के मजा आ गया, नॉट इवन जोके, ओ माय गॉड यार। ओके ये मुझे लेके जा रहा है जहां से मैं डायरेक्ट बाहर निकल सकता हूँ। एंड गाइस आई डोंट नो कि अभी मैं क्या करने वाला, बट एनिमी स्लेयर का हम लोग बहुत अच्छे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे कैसे जाएंगे हम लोग? अच्छा नीचे मैं क्लच मार दूंगा, टेंशन मत ले तू। अरे भैया क्या पैदल जा रहे हो आप, आपको कुछ नहीं करना है, बस यूं करके क्लच मार के नीचे आना है ब्रो। व्हाट आर यू नूब यार, चलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कहां है ये बंदा भाई? टाइम नहीं है हमारे पास, कितना स्लो है भाई, मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। मेरे दिमाग में कुछ बहुत ही ज्यादा ओपी आइडियाज इस वक्त आ चुके हैं भाई। तू जल्दी जल्दी लेके चल अपने को, कहाँ पर है? ओ भाई सुन, पक्का ना मैं यहाँ से कूदूंगा तो मरूंगा तो नहीं ना, मैं डायरेक्ट अपने घर पहुँच जाऊँगा ना बाहर। अच्छा बेसिकली सारे के सारे जो बंदे यहाँ पे वो गार्ड्स वगैरह, वो सारे यहीं से कूद के जाते हैं वापस बाहर, है ना। चलो गाइस देखते हैं भाई, कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो पोर्टल भी नहीं है, सीरियसली मैं पक्का सही गिरूंगा। ओके एक ही चीज से पता चलेगा, डायरेक्ट छलांग मार के लच को। ओ एक्चुअली काम किया ये भाई, ओ लच को, ओ माय गॉड गाइस, हम लोग डायरेक्ट पानी के बीच गिरे भाई, दिस इज सो गुड यार। भाई साहब दैट वाज गुड, हम लोग वहां से फाइनली एस्केप भी कर चुके हैं गाइस। देखो इतना तो मुझे लग चुका है पता, इन गड्ढों के अंदर जाने के बाद एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल सिटी जैसी चीज है वो, उस सिटी का क्या काम है फिलहाल को पता नहीं है। एनिमी स्लेयर जो मुझे मिला है ना भाई साहब, आई एम टेलिंग यू गाइस, इसका इस्तेमाल हम लोग अभी इस वर्ल्ड में तो नहीं करने वाले फिलहाल को, क्योंकि अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो उन काउंसिल वालों को लोकेशन चल जाएगी पता, एंड देन हो सकता है मुझे फिर से देखना स्टार्ट कर दे ब्रो। आई हैव टू बी केयरफुल, इसका इस्तेमाल किसी एक बहुत ही तगड़ी चीज के लिए करना पड़ेगा मेरे को, बट वो क्या हो सकती है तगड़ी चीज, अब दिमाग लगाने का समय आ चुका। मैंने उन बाय द वे उन तीन बंदों को बोल दिया मैं 12 घंटे में तुम लोगों को बचाने के लिए आऊंगा, और मेरे कुछ बहुत बड़े बड़े प्लान्स है गाइस, अगर वो प्लान्स मैं अचीव कर पाया तो इस जगह से हम लोग पक्का बाहर निकलेंगे। बट मेरा दोस्त एसजीओ पता नहीं कहाँ गया अभी, और इसी वक्त यार काश वो मेरे पास होता। खैर मतलब छोड़ो गाइस, तुम लोग मैं तुम लोगों को गारंटी दे रहा हूँ अगले 12 घंटे के अंदर मैं इस जगह से पक्का बाहर निकलने वाला हूँ। एनिमी स्लेयर का इस्तेमाल मैं कहाँ कर सकता हूँ और मुझे समझना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा वेट। ओ माय गॉड गाइस आई नो मैं इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता हूँ, हमारा वो काउंसिल वाला बारुआ बंदा जो वहां पे छुपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं जो अटका हुआ है वहां पे, अगर मैं इसके इस्तेमाल से उसको उठा पाया वहां से निकाल पाया तो भाई बहुत ओपी बात हो जाएगी। एक काम करता हूँ गाइस, मैं उस काउंसिल वाले बंदे के उस आइलैंड पे दोबारा से जाने वाला हूँ। इनफैक्ट ऑफकोर्स लास्ट टाइम पे गाइस तुम लोग को याद होगा हम लोग उस अजीब से एनिमल का इस्तेमाल करके गए थे, इस बार वो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग वहां से बाहर आए थे एक पोर्टल के थ्रू, उसी सेम पोर्टल के थ्रू जाऊंगा, मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्ट वहां जा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, और उस बंदे को आजाद करने की ट्राई करते हैं ना भाई, वो हमारी मदद कर सकता है बाहर निकलने में। भाई मेरे को लग रहा है अब तो पक्का हम लोग 12 घंटे में से बाहर निकल ही जाएंगे। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम हियर, मैं पहुंच चुका हूं यहां पे जहां पर वो काउंसिल वाला बंदा, अगर मैं इसको बाहर निकाल पाया एनिमी स्लेयर के थ्रू भाई साहब बहुत खुशी हो जाएगी मेरे को, आई एम टेलिंग यू गाइस। थोड़ा बहुत मैंने खाना बीच रास्ते में निकाला, एंड अभी एक बार वहां पर जाके देखते भाई, अगर मैं इस बंदे को ना एक्चुअली यहाँ से बाहर निकाल पाया तो गारंटीड अगले 12 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मेरे दिमाग में गाइस एक ओपी प्लान चल रहा है, उस प्लान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये बंदा यहाँ से मैंने आजाद करवा दे। देखो मुंह के सामने बंदा है ना, पर ए एरो मार रहे, अबे तू अनपढ़ है क्या, मैं उस मार्टी, हेलो लास्ट टाइम पे मैंने मेरे को लग गया था। बुरे बंदा वन शॉट करता, ये वन भाई पागल बंदा, ये बंदा वन शॉट मारता है, अगर इसका एक फटका मेरे को पड़ गया ना तो मैं इसी वक्त यहाँ पे मर जाने वाला हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अरे काउंसिल वाले भाई मैं हूँ स्मार्टी, लास्ट टाइम पे आया था मैं, भाई यार मुझे मार देगा ऐसे करो, मैं इसके नजदीक जा रहा हूँ एक बारी। ब्रो देख मैंने शील्ड अप करी, मुझे मार रहा, मैं स्मार्टी हूँ, लास्ट टाइम पे मैं आया था तेरे पास,
याद नहीं गया तेरे को मैं लास्ट टाइम पे आया था? भाई इसने मुझे उड़ा दिया। मैं बच गया, भाग मैं, दूर चल। ओह माय गॉड, पूरी बंदा मुझे भूल गया है क्या? वेट, मुझे मैं इसको याद कैसे दिलाऊं? मैं भी इसको याद दिलाता, मुझे अभी याद है कैसे ये बंदा पढ़ सकता है। भाई जी हेलो, मैं FI में रहना पड़ेगा। ब्रो मैं हूँ, लास्ट टाइम पे आया था, तूने एक बंदे की बीवी को यहाँ पे मार दिया था, फिर हमारी बातचीत वगैरह हुई थी, फिर तूने बोला था कि अगर मैं तेरी उन बाकी 11 बंदों को मारने में हेल्प करूंगा तो तेरे को चैन की नींद आएगी। याद है मैं कौन हूँ? हैं? ओह तू है, आजा। देख तूने बोल दिया है, मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ, कृपया करके मेरे को मारियो मत, ठीक है ना भाई? प्लीज मैं तेरी मदद करने के लिए आऊँ यहाँ पे। यार तू कमाल कर रहा है यार। ओके आई थिंक आ जा, चुप, आ रहा आ रहा हूँ मैं, ठीक है? प्लीज मेरे को डराओ मत आप, मैं थोड़ा खाना खा लूँ एक बारी। ऑल राइट, देखो मुझे नहीं पता कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, बट आई थिंक मेरे पास एक प्लान है आपको बाहर निकालने का यहाँ से। अबे बच्चा है तू, मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों भाई ऐसा क्यों? मैं आपको बाहर क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, है मुझे बताओ जरा एक बारी। और भाई मुझे एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे कुछ भी इसके आसपास दिख नहीं रहा है, तो आप एक जगह पे खड़े क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तू देख नहीं सकता क्योंकि तू ह्यूमन है सादा सा। ओह तो आप मुझे बोल रहे हो कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस वक्त, राइट? अरे भाई बाकी सब कुछ छोड़ो, मैं आपके लिए एक ऐसा डिवाइस लेकर आया हूँ जिससे मुझे ऐसा लगता है मैं शायद आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, पक्का गारंटीड। क्या तू नहीं निकाल सकता मुझे? तू पिद्दी सा ह्यूमन है। रे भाई मैं हूँ पिद्दी सा ह्यूमन, बट थोड़ा तो मानो मेरी बात को, मैं निकालने की ट्राई कर सकता हूँ आपको यहाँ से। अरे तू जा रहे, अरे भगवान भाई ये बंदा मुझे ही मेरी बेइज्जती करा रहा है। क्या लिख रहा है? तू जा रहे और काउंसिल को मारने का प्लान लेकर। भाई मैं लेकर आ जाऊंगा, बट देखो मेरे हाथ में क्या है, एनिमी स्लेयर। आई थिंक मैं इससे आपको बाहर निकाल सकता हूँ शायद। मुझे लिटरली अभी भी इसके आसपास कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ किस चीज में अटके हो आप? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है ये तेरे पास कहां से है। भाई मैंने बहुत जुगाड़ किया और मैं आपके लिए स्पेशल को लेकर आया बहुत दूर से। आप मुझे एक बात बताओ बस, कि क्या मैं इससे आपको निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? मुझे इससे तो तू मुझे निकाल सकता है, लेट्स गो। वेट आई थिंक मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए शील्ड निकालनी पड़ेगी। एंड अभी मैं अभी एक सेकंड रुको, अभी मैंने खाली कर दिया है, तू भागने को तैयार रहना, ठीक है भाई? मैं तैयार रहूंगा अगर मैं उठा। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस डूड? मैंने आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया। भाग 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 भाग। Oh my God, let's go, bro, you are safe. और by the way, जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो इनका नेम टैग दिखना भी स्टार्ट हो गया। चलो 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 चलो, जितना फास्ट हम लोग निकल सकते हैं। I think हम लोगों को पोर्टल का इस्तेमाल करके बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? पोर्टल नहीं, तू बस चल मेरे साथ। कहाँ पे? मैं आपके साथ आऊंगा पीछे, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा हमको, लेकिन यहाँ से बहुत फास्ट, जितना फास्ट जा सकते हैं। बक बक बंद कर, ठीक है भाई? सॉरी यार भाई, ये बहुत गुस्सैल लोग हैं। चल चल मैं आ रहा हूँ आपके पीछे, आ रहा हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। ओह माय गॉड भाई बंदा बच गया। बाय द वे अभी एनिमी स्लेयर का यूज हो गया, काउंसिल वालों को लग चुका है पता, अभी तक वो नजर मार चुके होंगे और उनको पता चल चुका होगा कि बारवा काउंसिल वाला बंदा भाग चुका है, और अब वो लोग पैनिक कर चुके होंगे कि इनको मारने के लिए आ सकता है, इसीलिए चुप करो। चल मैं आ रहा हूं, मैं चल रहा हूं भाई। ऑल राइट गाइस, तो मेरे को इन्होंने बोला है कि मैं यहां पर कहीं पर आ जाऊं, इनके बगल में खड़ा हो जाऊं, ये मेरे को करवाने वाले हैं टेलीपोर्ट यहां से। ओ व्हाट द हेल वाज दैट ब्रो? ऑल राइट ब्रो, थैंक यू सो मच, हम लोग यहाँ पे आ तो चुके हैं, अब बताओ करना क्या है, अगला स्टेप क्या करें हम लोग? तू गायब हो जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा सही टाइम आने पर। ब्रो व्हाट, भाग यहाँ से। ओके मैं जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ भाई, इसको मैंने बचा तो दिया एटलीस्ट, अब ये जो बंदा है गाइस, ये बाकी काउंसिल वालों के खिलाफ है, तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, तो मेरा दोस्त बन सकता है। मैं काम करता गाइस, मैं जा रहा हूँ मेरे नूबड़ा जी के पास, एटलीस्ट वो इकलौता बंदा बचा है जो मेरे मतलब मेरे पास लाइक मेरा है इस वर्ल्ड में, अभी एसओ वगैरह तो पता नहीं कहाँ पर है। मैं फटाफट जाते हैं उसके पास एंड उसके हाल चाल पूछता। भाई साहब उसको पक्का मेरे बहुत ज्यादा याद आ रही होगी, अभी गारंटी है मेरी यार। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, भाई मैं आधे घंटे से लेकर चल रहा हूँ नूबड़ा जी तक पहुंचने के लिए। भाई ठंड इतनी बढ़ गई कि जैकेट ही पहनना पड़ गया। क्या छोड़ो नूबड़ा जी, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, तू टेंशन मत ले। स्मार्टी भैया जब तक तेरे साथ रहेंगे तुझे कुछ भी नहीं होगा, और तुझे डरने वाली बात ही नहीं होगी भाई। मैं आ रहा हूँ। नो वे डूड, यहाँ पे धमाका रखा है। व्हाट, डोंट टेल मी कि इसकी ये जगह एक्सपोज्ड है। ब्रो ये टूटी हुई जगह एक्चुअली में। ओ माय गॉड गाइस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ब्रो मेरा नूबड़ा जी यहाँ से चला गया कहीं पे और। वेट ओके गाइस, एक सेकंड रुको, मुझे अच्छा सा सामान निकालने दो, एंड मेरे को ना खाने का सामान भी चाहिए होगा बहुत सारा। भाई बहुत नर्वसनेस हो रही है मेरे को अभी, ठीक है ना? थोड़ा बात ये दे दे मेरे को तू, बेड हटा दे, ब्लॉक दे दे, चल ऐसे बाहर।
बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल भाई, तू तलवार का है, तलवार का है, चल 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 ब्रो। अगर ये जगह एक्सपोज्ड है तो मेरी पोजीशन भी एक्सपोज्ड है इस वक्त। मैं अभी यहाँ पर कभी भी पकड़ा, पीछे खड़ा मत था, व्हाट द हेल, तेरी ऐसी की तैसी। ओके आई थिंक गाइस ये जगह इन लोगों को पता चल गई और इन लोगों ने हमला कर दिया नुबड़ा जी और उस लाइब्रेरियन जैसे बंदे पे। आई रियली होप कि बस वो बंदे सेफ रहे, जिंदा रहे भाई। ओके मुझे भागना पड़ेगा अभी यहाँ पे। चल 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 स्मार्टी, निकल यहाँ से, निकल 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 निकल, जितना दूर निकल सकता निकल यहाँ से। वेट, मैं यहाँ पे अभी इस एनिमी स्लेयर का इस्तेमाल करूंगा इसके ऊपर एक बारी, इसको उड़ा दूंगा ना एक बारी तो बढ़िया हो जाएगा। उड़ उड़, ओ मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इसका भाई, इसका सर खत्म हो गया, इसका सर खत्म हो गया। दिस इज रॉन्ग। ओके डूड्स, आई थिंक उन बंदों को पता चल गया था कि एनिमी स्लेयर का इस्तेमाल हो रहा है और मैंने उस काउंसिल वाले बंदों को आजाद कर दिया, उन्होंने इसका इफेक्ट ही खत्म कर दिया। ब्रो दिस इज यूज़लेस, फेंको इसको भाई, ये किसी काम के नहीं है मेरे। चल यहाँ से निकल अब। माय गॉड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई ये तो। खाना खा और अच्छा खाना, नीचे निकालना पड़ेगा मेरे को अभी। चल 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 चल, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है भाई, ये बच्चा है मेरे सामने। भाई तू रुक अभी, मेरे दोस्त को देखो रान दा, अभी मुझे नो आइडिया फिलहाल को एसजीओ कहाँ पर है गाइस, बट एक बार वो आ गया ना भाई 1v2 में तो तू क्या तेरे पिताजी भी हमें नहीं हरा सकते, समझा समझा कि नहीं। ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना, ये नहीं करना जो मैंने अभी किया ना भाई, ये नहीं करना था। चल 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 चल, इसके हाथ में ना बिल्कुल ना, इसके हाथ में ब्रो मैं हिल। What? Okay, मैं F5 दबा पा रहा हूँ, मैं F5 दबा पा रहा हूँ, बट मैं हिल नहीं पा रहा जगह से। ये क्या? What? Wait. ये क्या कर रहे? What the hell is happening, dude? ये क्या कर रहा है लौंडा? Wait. एक सेकंड रुको। क्या मैं zoom? हाँ मैं zoom कर पा रहा। Guys, मुझे हवा में ये सारे के सारे arrows मुझे हवा में क्यों दिख रहे हैं भाई? Yo! What the hell? ये क्या कर रहे हैं? भाई ये बंदा कंटिन्यूअसली यहाँ पे मेरे ऊपर ट्राइडेंट के एरोस का को चला रहा है भाई, ये कुछ भी हो रहा है यार भाई। ओ माय गॉड, मेरे को डर लग रहा है। अबे तू करना क्या चाहता है बता तो दे मेरे को एक बारी, मारना है तो ढंग से मारना भाई, इसने मुझे फ्रीज किया हुआ है, स्वे टू गॉड। गाइस तुम लोग उस पेड़ को देखो ऊपर, यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर गाइस पेड़ हमारे लहराते हैं बट एकदम फ्रीज हो चुके हैं। व्हाट द, ओ माय गॉड गाइस, वो लेफ्ट साइड तुम लोग को काओ दिख रही है भाई, वो हिल नहीं रही है वहां से, ये वही की वही है तब से लेकर खड़ी। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसने मेरे को लिटरली एक जगह पे फ्रीज किया हुआ है। हेलो ब्रो, व्हाट व्हाट भाई, से पूरे खानदान के एरोस मेरे पर छोड़े हुए हैं, मुझे अभी भी आई एम सो कंफ्यूज गाइस, ये बंदा करना क्या चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ गाइस F5 दबा पा रहा हूँ, उसके अलावा सारे कंट्रोल मेरे हाथ से हट चुके गाइस। तुम लोगों को वो काओ दिख रही है, ये काओ अभी तक वहीं पे अटकी हुई है भाई, इसने लिटरली हर एक चीज को यहाँ पर फ्रीज कर दिया है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये बंदा मेरे टाइम को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? रुक जा भाई, कितने एरो छोड़ेगा तू? ओह माय गॉड, आई एम सो अफ्रेड यार, अभी मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा भाई? आयरन के आर्मर में गाइस 6-7 एरोस पड़ेंगे तो शायद बंदा मर जाता है, ये तो भाई 50 से ज्यादा एरोस और 50-60 ट्राइडेंट छोड़ दिए उसने मेरे पर। ये क्या कलाकारियां कर रहा है भाई यहाँ पर, ये बंदा क्या कर रहा है ये? और इस मोमेंट पे मुझे मेरी मौत सामने दिख रही थी, क्योंकि इसने पूरे खानदान के ट्राइडेंट्स और एरोस मेरे ऊपर मार दिए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे डॉज कैसे करने वाला हूँ। बट उसके कुछ देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली, बट वो हिम्मत भी थोड़ी देर के लिए थी भाई। हेलो बाकी भागो भाई, मुझे हटाओ, मैं हिला नहीं पा रहा भाई, इसको कीबोर्ड से यार क्या हो रहा है ये? शिट भाई ऑलमोस्ट फटे। वेट, साइड में टाइमर आया, ये क्या 24 मिनट है क्या? 24 घंटे का टाइमर भाई, रुक जा, हाथ जोड़ रहा भाई, रुक जा भाई, रुक जा मेरे भाई, रुक जा। हेलो गाइस, तुम लोगों को मैं दिखाऊं, ऊपर देखो एक बारी भाई, इसने हर जगह पे यहाँ पे एरोज वगैरह मारे हुए, TNT फोड़ा, ऊपर देखो सारे पोशंस भाई, जितने आपके लायक आपको मारने के पोशन है सारे के सारे इस्तेमाल कर दिए इस बंदे ने। स्वेयर टू गॉड भाई, कुछ भी कर रहा है ये बंदा। अरे भाई रुक जा, कितनी जान लेने पे तुला ये बंदा मेरी। ओ माय भाई, कितना लैग हो रहा है। अरे रुक जा, क्या कर रहा है? ट्राइडेंट फेंक के मार रहा है भाई। ओ चला गया भाई, मुझे फंसा के चला गया। ऊपर देखो 24 घंटे का टाइमर भाई, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट निकल भी चुका है। व्हाट, आई एम स्टक हियर ब्रो, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। आर यू सीरियस डूड? क्या
ये तो गलत बात है भाई यार, आई कांट डू एनीथिंग। जैसे 24 घंटे कंप्लीट होंगे सारे TNTs फट जाएंगे, सारे एरोज मुझे लग जाएंगे, बल्कि TNT फटने से पहले एरोज मुझे लगेंगे, शायद वहीं से मर जाऊंगा। सारे पोशेज ने मेक श्योर किया कि मैं बचूं ना यहाँ से भाई, और अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा। Much later. अरे यार ये बंदा कहाँ पे चला गया, फलाना तुझे दिख रहा है ये? SDO भाई, पार्टी, हेलो, आवाज आ रही मेरी? ओ शिट, अब हो कहाँ पे भाई? इधर आओ, पता नहीं कहाँ हूँ मैं भाई, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। जल्दी आ, जल्दी आ। मतलब किधर भाई? मैं यहाँ ब्रो, मुझे नो आइडिया, मैं यहाँ पे F3 भी नहीं दबा पा रहा हूँ, मेरे बुरे हाल हो चुके हैं। जल्दी आओ मेरे पास, आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा। फलाना मुझे पहाड़ के पीछे देखे, छोटे ऐसे वापस आओ पहाड़ के ऊपर, जल्दी आओ। नजदीक मत आना प्लीज, गलती से भी TNT पड़ गया, मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। ये आरोप के ऊपर पड़ने वाले है, क्या है ये सजावट भाई है? एक बंदे ने मुझे मारते मारते पहले सब कुछ फ्रीज कर दिया, जिस जगह से आप आए वहां देखो काओ फ्रीज दे पीछे। ब्रो आई एम टेलिंग यू, उसने सब कुछ फ्रीज किया हुआ है, सारे एरो मेरे ऊपर मारे हुए, सारे ट्राइडेंट, सारे पोशन, सारे TNT फोड़ने को लगाए हुए यहाँ पे, और भाई ये कभी भी फट सकते हैं, मैं मरने वाला हूँ भाई अभी। इनफैक्ट अभी नहीं, मैं फोड़ दूं क्या TNT? फोड़ दूं, अरे मैं मर जाऊंगा पागल हो। आप रुको, सुनो 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 सुनो, मेरे साइड में 24 घंटे का टाइमर चला हुआ है, साइड में 24 घंटे का टाइमर चला हुआ है, जिसमें आई थिंक कितने, मेरे को तो कैलकुलेट करना भी नहीं आ रहा, आई थिंक 10 मिनट बीत चुके हैं भाई, 10 मिनट बीत चुके हैं, तो मुझे लग रहा है जैसे ही टाइमर जीरो पे जाएगा ये सब फट जाएगा। 24 घंटे मेरे पास, और भाई मैं कीबोर्ड W दबा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, मैं माउस को हिला रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, आई एम स्टक। मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर पा रहा हूं। आप सबको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करते हैं ना, हाँ? मैं आके वहां पे खोद देता हूं ब्लॉक नीचे। नहीं, ऐसे अगर मेरे पास आया अभी और आपने यहां पर ब्लॉक तोड़ा, और अगर TNT एक्टिवेट हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं आपके साथ, फलाना जी है, फलाना जी कहां है? हाँ वो क्या हुआ साइड में? अरे सामने तो है अंधे इंसान। अरे मुझे न, मम्मी कसम मुझे नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है मुझे ये बंदा भी? अरे अरे आपके आजू बाजू तो वो, ये देखो सामने, आपके एग्जैक्ट सामने खड़ा है भाई। स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं दिख रहा है, थिंक ये भूत बना हुआ है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। वो छोड़ो ऐसे आप भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो कुछ भी करके। आप मेरे आसपास के ब्लॉक तोड़ोगे तो मैं मर भी सकता हूँ, ये TNT ऑलमोस्ट फटने वाले हैं, मुझे आप बताओ कि क्या करूं। ट्राई करना ही पड़ेगा, आपके पास कुछ रास्ता है यहाँ से निकलने का? मैं कोई रास्ता तो सकता हूं। फलाना जी से पूछो भाई, इसको कुछ आइडिया हो मे भी इस बारे में। फलाना ऐसे कुछ कर देना, इसके अंदर घुस जाए और इसको कंट्रोल कर ले, से हम लोग हमेशा करते हैं। अरे यार ये क्या मंदिर सर है भाई, ये बोल रहा है कि नहीं हो सकता, ये बोल रहा है कि मैं अगर स्मार्टी के अंदर गया और इसको कंट्रोल किया तो ये ब्लास्ट हो सकता है यार, बिकॉज स्मार्टी को ही मूव करना पड़ेगा यार। पर मैं कैसे मूव करूं, मैं देखो मैं माउस को हिला रहा हूं भाई, कुछ नहीं हो रहा। अरे नजदीक भाई, आप TNT के अंदर क्यों जा? मैं मरा ना मार्क से, आप ही मर जाओगे बाय द वे, इतना कुछ है। देखो मैं फ्रीज नहीं हो पा रहा, सिर्फ आप ही फ्रीज हो, कुछ तो आपके साथ ही लोचा है भाई। एज़ियो वो गाय भी साइड में फ्रीज है बाय द वे, ये सारे पेड़ फ्रीज है, सारे पेड़ हिलते हैं इस जगह पे, आपको पता है ना भाई, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, सिर्फ मैं फ्रीज हूँ, आप कैसे फ्रीज नहीं हो भाई? और वो बंदा भी फ्रीज नहीं था। आपकी मौत आ चुकी है भाई। ए चुप हो जा यार भाई, मुझे निकलना है गाइस, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। फलाना तू, मैं तेरे को देख नहीं पा रहा भाई, तू कोई रास्ता निकाल जल्दी, तू एक हैकर है भाई, जल्दी निकाल कोई रास्ता फटाफट। रुको यार मैं कुछ तो सोच रहा हूँ आज। अरे दिमाग मेरे का, मेरा मन खुजाट फलाना, कुछ तो सोच, जल्दी सोच। स्मार्टी ये बहुत बड़ा लोचा है यार, ये फलाना ने मुझे बताया है, ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, है? और ये मतलब इसमें लोचा बहुत ही है कि आपको, हाँ? आप नहीं कर सकते, आप WSD दबाओ कुछ भी करो, कंप्यूटर को तोड़ दो, आप नहीं हो सकते, किसी और को ही करना पड़ेगा। मतलब वेट, मेरे PC पे किसी और को करना पड़ेगा? हाँ, तो हो सकता है, कोई दूसरा ही होगा, तो मैं अपनी दीदी को बुला दूंगा, हो जाएगा घर पे? नहीं नहीं, वो मैंने भी पहले वही बोला कि पापा से करवा लेगा या फिर बहन से करवा लेगा, हाँ। कोई तो कर लेगा, पर नहीं, ये बोल रहा है कि ऐसे नहीं होता, जो हिमलैंड का ऑफिशियल मेंबर है वो ही हिमलैंड के अंदर खेल सकता है ना, हाँ। तो उसको ही करना पड़ेगा, जो हिमलैंड का ऑफिशियल। मैं तो सिर्फ दो ही लोगों को, इनफैक्ट मैं तीन लोगों को जानता हूँ, एक तो फलाना जी है, उसको मैं जानता हूँ, वो ये कर सकता है। अरे फलाना तो मरा हुआ है यार, उसका कुछ यूजलेस है भाई, वो नहीं कर सकता। तो मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ और ड्रीम बॉय को जानता हूँ भाई, ड्रीम बॉय ज्यादा नजदीक रहता है लाइक गुड़गांव में, तो मैं ड्रीम बॉय को बुला दूं क्या? आ, उसका टिकट कटवा लो जाएगा। अरे लेकिन SDO भाई, उसकी मैं टिकट कैसे कटवाऊं यार, वो तो पता नहीं कहाँ है, वो हिमलैंड में ही पता नहीं कहाँ है अभी, क्या कर रहा है पता ही नहीं है। वो अपना ही काम छोड़ के नहीं आ सकता, वो मैंने जब उसको देखा था, हाँ? फलाना के प्रस्पेक्टिव से, तब मुझे पता चला कि वो किंग ओडिन के साथ लड़ाइयां कर रहा है यार। ओह शिट डूड, वो किंग ओडिन से लड़ रहा है, तो हो सकता है अभी भी लड़ ही रहा होगा। ब्रो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। SDO आपको आना पड़ेगा मुंबई से,
ब्रो आप पागल हो गए हो क्या? और प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। मैं कैसे पहुंचूंगा? मेरे पास अभी 24 घंटे आते 15 मिनट बीत चुके हैं ओवरऑल एसईओ। अभी आपको 23 घंटे और 45 मिनट है, प्लीज आ जाओ यार, बचा दो भाई मेरे को। अरे यार ऑलरेडी आप टाइम कम कर रहे हो यार, मेरे ऑलरेडी लगे पड़े। रुको रुको मैं सोचता हूँ, कुछ तो मुझे सोचने दो। आप शांति रखो, कुछ नहीं होगा भाई। भाई कुछ सोचो यार, तो आपकी प्रॉपर्टी मेरी है और क्या है भाई। नहीं नहीं अभी आप ही बचा सकते हो मेरे को, देख लो हिमलैंड के भाई हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ भी करके। मैं सोचता हूँ, मैं कुछ तो सोचता हूँ। मैं अब भी आया, अब भी बताता हूँ। यो अभी से लीव कर दिया गेम को। हेलो 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 एसजीओ, अरे भाई इसे लीव कर। व्हाट? हेलो एसजीओ भाई आवाज आ रही है? मैंने आपको भाई मैंने इसको सॉल्यूशन के लिए बोला था, ये बंदा ही निकल गया। हेलो भाई आई एम ऑल अलोन यार, आई एम ऑल अलोन। ये मेरी आई थिंक थोड़ी देर, आई थिंक कुछ तो सोच रहा है, थिंक आएगा एक दो घंटे में आएगा वापस। मैं वेट करने वाला इसका, मैं इसका वेट करने वाला भाई। डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कॉर्ड से डिस्कनेक्ट हो गया बंदा यार। आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो, व्हाट द हेल इज ही डूइंग मैन? द नेक्स्ट डे व्हाट द हेल इज दिस भाई? भाई सिर्फ 10 घंटे बचे गाइस। एसयू का तो ना पता ना वो डिस्कॉर्ड पे आया ना, उसका कॉल लग रहा भाई, उसका तो फोन ही मतलब लिटरली लग रहा है कि उसने एयरप्लेन मोड पे रियल लाइफ का फोन डाला हुआ है। उसको कॉल ही नहीं लग रही है भाई, मेरे को ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो भाई मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। I don't know, छोड़ो भाई। All right, boys and girls, 60 सेकंड बचे सिर्फ, 60 seconds. That's it, dude. मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है यार, मैं देखना चाहूंगा कि exactly होने क्या वाला है यहाँ पे भाई। Last 60 सेकंड, I think last 60 सेकंड होने वाला है। कोई नहीं भाई, enjoy करेंगे इस moment को भी, क्या करें यार, है नजारा। Depression में जाके भी क्या ही हो जाएगा, right? कोई बात नहीं, देखी जाएगी भाई। इतने गंदे तरीके से हम लोग भाग के आए। आई एम टेलिंग यू, मैं ना ऐसे बैठा हुआ था, लास्ट के 20 सेकंड बचे की मौत देखूंगा, अपनी सुकून से देखूंगा भाई। एक शॉट मैं अब कंट्रोल कर पा रहा हूँ। वाह देखो सामने, वो चल 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 चल, मैं चुप रहूँ, मैं चुप रहूँ भाई, मैं चुप रहूँ भाई। ये देखो यहाँ पे एरोस उड़ रहे हैं, जमीन के नीचे। मैं चुप रहूँ, मैं चुप रहूँ, मैं चुप रहूँ, वो बंदा दोबारा आ जाएगा। ये क्या है ये सब? अरे तुमको तो कुछ पता ही नहीं है क्या ओडिन क्या? मैं चुप रहूँ। ओह माय गॉड, मैं चुप रहूँ। अरे किंग ओडिन तुम्हारा दलाल है भाई। भीम भाई एक सेकंड मेरे को वर्ल्ड दिखाओ आपको सब कुछ, मैं डिटेल में समझाऊंगा, बस एक सेकंड दिखाऊंगा, वो बंदा वापस आएगा। तो अभी यहाँ पे दोबारा एक देख, ऊपर देख, ये बादल है। यस, किंग ओडिन दलाली कर रहा है और यहाँ पे डाल रहा है हम लोगों को भाई। तेरे को सब कुछ मैं डिटेल में बता दूं भाई। गाइस लिटरली 2 सेकंड के, 3 सेकंड के, एक कितने मेरे को तो पता भी नहीं है, कुछ सेकंड बचे थे आपने बचा दिया लास्ट में। ये बता रहे छोले खा रहा था बंदा, नहीं तो जल्दी आ जाते। ये छोले खा रहा है, मैं पता ऐसे खा रहा था, मेरा हाथ पकड़ा, ड्रीम बॉल ड्रीम बॉल, चल चल चल, और ले आया और फिर यहां पे लेके आया उसको। मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ छोड़ के, बस का टिकट नहीं है बंदे के पास, ऐसे ही लाया हूं मैं, डिग्गी में बैठ के आया हूं, बस की डिग्गी। गाइस इन्होंने बचा दिया मेरे को। गाइस तुम लोग लाइक मारो यार, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। मेरे दोस्त नहीं होते तो आज तो मैं गया था भाई, और मुझे नहीं पता हम कहां स्पॉन होते हैं यहां पे मरने के बाद। गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं नहीं खेल सकता, मैं डिस्कनेक्ट करके जा रहा हूं भाई ऑलरेडी। बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, लव यू मैन, बाय बाय। किसी ने छुआ नहीं, कहा छू लिया था उस बंदे ने हाथ मेरे को भाई। हां लेता हूं, बचा दिया आज तो।